गुड मॉर्निंग री गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ दिस सीरीज ढाई सौ क्वेश्चन के जो सीरीज है आज उसमें क्लास नंबर टू है और आज की क्लास में आप लोगों को साइंस भी मिलने वाली है तो पहले हम करेंगे स्ट्राटेजी के और उसके बाद दीपमणि सर आपके लिए लेकर आ रहे हैं साइंस के क्वेश्चन तो कंप्लीट जीके जीएस रहेगा ये ढाई सौ क्वेश्चन के अंदर ठीक है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की सीरीज एक बार फटाफट से लाइव आ जाएंगे सभी लोग कनेक्ट हो जाएंगे हमारे साथ में सो देट वी कैन स्टार्ट द सेशन गुड मॉर्निंग राजकुमार गौरव वेरी गुड मॉर्निंग आशिक हुसैन अगे सुनील रवि प्रशांत पूजा सुजाता गौरव शिवानी सिंह वेरी गुड मॉर्निंग सो आगाज किया जाए आई मीन सेशन की शुरुआत की जाए आगाज तो हम सुबह आठ बजे ही कर चुके हैं आज के दिन का है ना हाँ जी केम छो मजामा चौ तुम लोग भी हो के नहीं हो मजामा चौम हाँ ओके सो सवालों का सिलसिला करते हैं शुरू बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आने जा रहे हैं दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बताइए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है 15 मई 2022 को किस देश ने अपना पहला थॉमस कप जीता था अपना पहला जो थॉमस कप है ये किस देश ने जीता ये आपसे पूछा जा रहा है तो आंसर करेंगे जल्दी से क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं कि थॉमस कप जो है ये दिया जाता है किसके अंदर बैडमिंटन में दिया जाता है ठीक है पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि ये जीता है इंडिया ने किस कैटेगरी में मेंस में दिया जाता है थोमस कप हमेशा में दिया जाता है उबर कप ये होता है वोमेन्स कैटेगरी में और ये किसमें जीता ये जीता था साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के जीता था ये चाइना को हरा कर जीता और भारत ने जो जीता था भारत ने जो जीता वो इंडोनेशिया को हरा के जीता किसको हरा के जीता इंडोनेशिया को हरा के जीता जो फोर्डियन टाइम्स चैंपियनशिप रह चुकी है इसके अंदर और ये इतिहास का पहला हमारा जो है थॉमस कप था जो हमने जीता ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय डैश आप सभी जानते हैं श्रीलंका और भारत जो है ये दोनों एक चैनल के माध्यम से अलग होते हैं अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो चैनल कौन सा है किस चैनल से ये दोनों अलग होते हैं हां जी इसका आंसर आई होप सभी को पता होगा ये कौन सा है पाक स्ट्रेट है कौन सा स्ट्रेट हो जाएगा पाक स्ट्रेट हो जाएगा तो पाक स्ट्रेट जो है ये मन्नार की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है बे ऑफ बंगाल एंड बे ऑफ मन्नार मन्नार की खाड़ी को बे ऑफ बंगाल से अलग करता है पाक स्ट्रेट जो है जो कि इंडिया और श्रीलंका को अलग है इन दोनों को तो कनेक्ट करता है स्ट्रेट हमेशा वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा लैंड एरिया को अलग करेगा तो ये इन दोनों को कनेक्ट करता है इंडिया श्रीलंका को अलग करता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2023 आपको बताना है कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है एक तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है 2023 के लिए और टू के लिए इसकी जो थीम है वो क्या रही आपको यहाँ पे 2023 वाला भी बताना है चलिए आपसे करेंगे जल्दी से क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हां जी क्या आप लोगों ने आंसर किया देखो अगर मैं बात करूं 2023 के की तो ये क्या हो जाएगी वेटलैंड रिस्टोरेशन 2023 का पूछा जाए तो वेटलैंड रिस्टोरेशन जो है वो इसकी थीम हो जाएगी ठीक है अच्छा ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ये हर साल जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है आपसे पूछा जा रहा है कि किस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है वो डे कौन सा हो जाएगा जब इसे सेलिब्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑफ फेब्ररी फर्स्ट ऑफ फेब्ररी को जो है ये आपका मनाया जाता है Sorry, second, second, second. Second of February को जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है okay? Okay. So, यहाँ पे जो answer आ रहे अच्छा सभी का answer क्या है है पक्की बात है? अगर मैं सभी का आंसर गलत है तो क्या कहोगे तुम फर्स्ट फेब्री फर्स्ट फर्स्ट यस सेकेंड भैया सेकेंड सॉरी सेकेंड हां जी तो आप मुझे बताइए कि बी होगा करेक्ट आंसर वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर वेटलैंड एक्शन पीपल एंड नेचर सेकेंड फेबररी को ये आपका आता है जिसको हम रामसर डे के रूप में भी मनाते हैं टोटल जो रामसर साइट्स से 75। सेकेंड ऑफ फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन क्या हुआ था नाइनटीन सेवेंटी वन के अंदर ईरान में ईरान के रामसर में एक समिट साइन हुई थी कब हुई थी सेकेंड फेबररी को हुई थी तो इसीलिए इसी दिन को हम रामसर साइट यानी वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर वॉज श्रीलंका डिस्कवर्ड बाय द पुर्तुगीज आपको बताना है कि पुर्तगीज की पुर्तगीज के द्वारा श्रीलंका को क्या किया गया था डिस्कवर्ड किया गया था वो ईयर कौन सा था आपसे पूछा जा रहा है कि वो पर्टिकुलर ईयर जो है ये कौन सा था तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 1505 होगा करेक्ट आंसर श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था तो इसे पहले कहा जाता था सिलोन ठीक है इसे सिलोन कहा जाता था इसे ठीक है तो श्रीलंका के साथ में हम एक एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम है स्लीनेक्स और एक और एक्सरसाइज करते हैं हम श्रीलंका के साथ में जिसका नाम है मित्र शक्ति ठीक है तो ये भी आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव भारतीय संविधान के निम्न में से किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रावधान किया गया है आप सभी जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो मूल संविधान में नहीं थी ठीक है तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि आप जो कि पार्ट फोर ए के अंदर ये दी गई है ठीक है तो आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल कौन सा हो जाएगा आर्टिकल फिफ्टी वन ए है तो ये ऐड की जाती है फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट जो आया था आपका 1976 इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इलेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी इस प्रकार से टोटल कितनी हो गई फंडामेंटल ड्यूटीज ग्यारह हो गई इस प्रकार से टोटल ग्यारह जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई है जो आर्टिकल फिफ्टी वन ए में दी गई है नेक्स्ट वेन वोज इंटरनेशनल डेट लाइन फिक्स्ड। आपको बताना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है इसे कब फिक्स किया गया था तो ये कब फिक्स की गई थी 1884 के अंदर ठीक है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है हमारी जिसकी वजह से पूरे विश्व के अंदर एक जैसा समय सीमा रखी गई है ये 1884 के अंदर जो है वो फिक्स की गई थी

ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है ये किस भारतीय राज्य के अंदर लोकेटेड है ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर ये एक्चुअली है, हैंग चोटी है ठीक है जिसे मिजोरम के अंदर कहा जाता है ब्लू माउंटेन ऐसे मिजोरम में कहा जाता है ब्लू माउंटेन ठीक है कहाँ पर है ये ये लोकेटेड है कहाँ पे मिजोरम के अंदर इसकी जो लोकेशन है ये आपको मिलती है कहाँ पे मिजोरम के अंदर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन वुमेन लॉन बॉल टीम वॉन गोल्ड बाय डिफीटिंग विच टीम द फाइनल इवेंट आपको बताना है कि भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने फाइनल आयोजन में किस टीम को हरा के जीता था गोल्ड मेडल किस टीम को हरा के ये महिलाओं ने महिला टीम ने जीता था गोल्ड मेडल हां जी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर देखो आयोजन कहाँ पे किया गया था बर्मिंगहम यानी यूके के अंदर जो इसका आयोजन किया गया साउथ अफ्रीका को हरा करके इंडियन टीम ने इसको जीता था ठीक है ये था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल जो है इज रिलेटेड टू विच थीम आपको बताना है क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये किस विषय से संबंधित है किस चीज से संबंधित है इकोनॉमिकेशन डिजास्ट टू ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए आता है प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज को लेकर इसे साइन किया गया था 1997 के अंदर ठीक है इसे क्या है साइन किया जाता है सबसे पहले इसे जापान के अंदर अपनाया गया था सबसे पहले इसे जापान में अपनाया गया था नेक्स्ट Who was the first woman president of Indian National Congress? Indian National Congress जिसे 1885 में ए ओ ह्यूम ने जिसकी स्थापना करी थी ठीक है इसके फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जो है ये कौन थी एनी बेसेंट थी एनी बेसेंट ने कोलकाता सेशन को हेड किया था इन्होंने 1925 के अंदर कोलकाता सेशन हेड किया लेकिन फर्स्ट इंडियन फीमेल पूछा जाए तो सरोजनी नायडू जिन्होंने 1917 के अंदर कानपुर सेशन को हेड किया था ठीक हाँ है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्योहार है जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है आपसे पूछा जा रहा है इस फेस्टिवल का नाम क्या है तो नागालैंड का सबसे फेमस जो फेस्टिवल है यहाँ पे दैट इज कौन सा है नागालैंड का सबसे फेमस फेस्टिवल एक यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल ठीक है नागालैंड में स्पेशली कौन सा मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है लेकिन सवाल में पूछा जा रहा है जो खेतों में बीज बोने के बाद होता है तब आप हॉर्नबिल नहीं करोगे तब आप आंसर करोगे मोट्सो फेस्टिवल ठीक है तो कंफ्यूज नहीं हो रहा कहीं नागालैंड करके चले आओ सॉरी हॉर्नबिल करके चले आओ ये मॉटसो फेस्टिवल है मिमकोट फेस्टिवल की बात करेंगे मिमकोट फेस्टिवल जो है ये मणिपुर हो जाएगा आपका ठीक है नेक्स्ट देखो हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं इनका नाम क्या है पावर कॉरपोरेशन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के ठीक है क्या अपॉइंट किए गए हैं एज ए डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किया गया है आपसे पूछा जा रहा है इनका नाम क्या है किनका का अपॉइंटमेंट किया गया है यहाँ पे बताइए भाई विच इज योर करेक्ट आंसर चार ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं क्या होगा करेक्ट आंसर बी होगा करेक्ट आंसर ठीक है हाँ तो एनी बेसेंट ही बताया था मैंने 1917 1925 बता दिया मैंने उसको करेक्ट कर लेना फर्स्ट अब फर्स्ट वो दी तो पहले वाला ईयर वो उनका आएगा ना वो बाय मिस्टेक वो क्रॉस कर दिया मैंने शायद हाँ अब ये ऑब्वियस सी बात है पहली महिला वो थी एनी बेसेंट तो 1917 वो एनी बेसेंट आएगा 1925 जो है ये सरोजनी नायडू आएगा अच्छा वो बाई मिस्टेक मैंने उल्टा कर दिया होगा अगर थोड़ा दिमाग चलाओगे तो तुम लोग खुद से सही कर लोगे इसको ये बाई मिस्टेक हो गया क्योंकि सरोजनी नायडू तो फर्स्ट इंडियन फीमेल बनी थी ना मैंने फर्स्ट फीमेल पूछा है वो तो पूरे वर्ल्ड में आ गया फिर फर्स्ट फीमेल पूछा है तो यानी कि पहले वाला आएगा ना जो ईयर आएगा वो उनके नाम पे आएगा तो वैसे ही, थोड़ा सा भी सोचोगे तो ये ऐसे होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय कार्ल मार्क्स आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स के द्वारा कौन सी बुक है जो लिखी गई है इनमें से कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी है तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं एक तो सभी लोगों को पता ही है कि जो दास कैपिटल है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है ठीक है लेकिन लेकिन एक और बुक है जो इन्होंने लिखी हुई है ये कौन सी है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या हो जाएगी बोथ टू एंड थ्री द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंड दास कैपिटल ये दोनों जो बुक्स है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई बुक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर नीदरलैंड के अंदर आपको मिलता है जो कि 1945 में बनाया गया ये यूनाइटेड नेशंस का ही पार्ट है यूनाइटेड नेशंस का ही ये पार्ट है ठीक है नेक्स्ट

ये इंडिया और नेपाल के बीच में पीस एंड फ्रेंडशिप को लेकर के एक एग्रीमेंट साइन हुआ था ठीक है आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में ये एग्रीमेंट साइन होता है 1950 की अंदर इसे साइन किया गया था, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल ये साइन होता है 1950 जुलाई में रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर सैक्शन हाउ मेनी रुपीज़ फॉर द फेस्टिवल ऑफ मदारम जा ये एक फेस्टिवल है मदारम जतारा ठीक है दो हजार बाईस में मनाया गया इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कितना पैसा अलॉट किया था टू पॉइंट टू सिक्स करोड़ दो पॉइंट दो छः करोड़, करोड़ रुपये जो हैं वो अलॉट किए गए थे ओके okay, नेक्स्ट बिगर, बेगम हजरत महल वाइफ ऑफ द नवाब ऑफ डैश लैड द रिवोल्ट लखनऊ की लखनऊ में, में विद्रोह को क्या किया था इन्होंने लीड किया था तो ये अवध के नवाब की पत्नी थी ठीक है अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल थी 1857 के विद्रोह को जिन्होंने लीड किया था वाजिद अली शाह की ये दूसरी पत्नी थी नेक्स्ट नमक सत्याग्रह डैश को शुरू किया गया था नमक के ऊपर मोनोपोली थी अंग्रेजों की इसे क्या किया जाना था पूरी तरह से समाप्त तो गांधी जी ने क्या किया नमक सत्याग्रह ये किसका हिस्सा माना जाता है ये माना जाता है सविन्य अवज्ञा का पहला हिस्सा यही था सविन्य अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया जाता है उन्नीस के अंदर शुरू किया गया था ठीक है तो वो कौन सा वो दिन था यात्रा कब से शुरू होती है ये 12 मार्च को हुआ था ठीक है ये जो स्टार्ट होता है ये 12 मार्च को स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल को ये पहुंचे थे 6 अप्रैल को पहुंचे थे साबरमती ठीक है और वहां पर क्या है यहां पे नमक कानून को तोड़ा गया जिसके चलते इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था नेक्स्ट फॉरिन ट्रेवलर केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी आपको बताना है की महमूद गजनी के साथ कौन सा विदेशी यात्री था जो कि भारत आया था महमूद गजनी के साथ आया था कौन सा यात्री था जो इसके साथ भारत आया था तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर मैडम को भूख लगी है भाई आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह साढ़े ग्यारह तक बैक टू बैक क्लासेज है ब्रेकफास्ट का आज टाइम कहा मिला है मुझे तुम लोग मेरी सारी फीलिंग्स बड़े अच्छे से समझ जाते पर मानना पड़ेगा मतलब हमारा दिल का रिश्ता हो चुका है और बहुत ही गहरा हो चुका है कब तब मेरी तबीयत खराब होती है मैं थक गई हूँ मुझे भूख लगी है मुझे प्यास लगी तुम लोगों को तुरंत है ना सब पता चल जाता है वाह मतलब अटूट बंधन हो तो ऐसा है ना अटूट बंधन हो तो ऐसा तो अलबरूनी था ये कौन था अलबरूनी था नेक्स्ट सो so क्वेश्चन कराने हैं मुझे आज हंड्रेड क्वेश्चन लेकर आई हूं आज मैं और बाकी के क्वेश्चन दीप मनी सर कराएंगे विच इज नॉट ए मैथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का इनमें से कौन सा मैथड है जो कि नहीं है वैल्यू एडेड एक्सपेंडिचर मैथड इनकम मैथड इनफ्लेशन मैथड है कौन सा नहीं है पॉइंट टू बी नोटेड आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से नहीं है ठीक है तो वैल्यू एडेड हो जाएगा एक्सपेंडिचर से भी की जाती है इनकम से भी लेकिन इन्फ्लेशन मेथड से नहीं होती है कभी भी इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता नेशनल इनकम को तो नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे होती है नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है नेशनल इनकम इज इक्वल टू जो आपका जो एनडीपी हो जाएगा फैक्टर प्लस नेट टू फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड हो गया ये होता है आपका ठीक है इज इक्वल टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर प्लस हो जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज इक्वल टू आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो इस तरीके से नेशनल इनकम जो है ये काउंट की जाती है नेक्स्ट देखो विद विच म्यूजिक इज अ नॉटेड म्यूजिशियन मालिनी मेनली एसोसिएटेड मालिनी राजकुर जो है ये बेसिकली कौन से संगीत से जुड़ी हुई थी वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक फोक म्यूजिक से जुड़ी हुई थी कौन से म्यूजिक से ये जुड़ी हुई थी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इनका नाम जुड़ा है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक हम भी बहुत बड़े भुक्कड़ है मैडम एक भुक्कड़ ही दूसरे भुक्कड़ की फीलिंग्स को समझ सकता क्या बात है गजब तालियां होनी चाहिए ना क्या मतलब बहुत ही बढ़िया बात है <laughs> अच्छा चलो भुक्कड़ होना चाहिए जो लोग भुक्कड़ होते हैं ना उनका अः उनकी लाइफ सबसे मस्त होती खाते पीते मजे करते रहते हैं कोई टेंशन आए खाने बैठ जाओ जो भुक्कड़ होते हैं ना वो जिंदगी में सबसे मस्त रहते हैं मैं भी सबसे बड़ी भुक्कड़ भुक्कड़ू सच बताती हूँ तो जब कोई टेंशन आती है अच्छा सा कुछ मंगवा के स्विगी वीगी करो अच्छा सा कुछ बना लो या तो कुकिंग कर लो खाओ और फिर भूल जाओ है ना तो भुक्कड़ लोग जो होते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं चलो बताओ जनवरी 2022 में नेताजी अनुसंधान ब्यूरो द्वारा नेताजी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया था तो ये नेताजी अवार्ड दिया गया 2022 के अंदर बाय द नेताजी रिसर्च ब्यूरो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो अवॉर्ड है ये किसे दिया गया ये जो अवार्ड है ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को दिया गया जो कि शिंजो आबे हैं, इन्होंने ही क्वाड ग्रुप को बनाया था 2007 में हां जी नेक्स्ट ने क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर हू अपंट द अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटोर्नी जनरल महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है इनके बारे में आर्टिकल 76 में दिया गया है ठीक है इनका अपॉइंटमेंट कौन करेंगे प्रेसिडेंट करेंगे इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट भारत के सबसे बड़े ये कानूनी सलाहकार होते सभी मंत्रियों का केस यही देखते हैं इनकी जो पोस्ट होती है सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है ये हाई कोर्ट में भी केस लड़ सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी जहां मर्जी लड़ सकते हैं मिनिस्टर्स के लिए भी लड़ सकते हैं आम आदमी के लिए भी लड़ सकते हैं अटॉर्नी जनरल जो है इनके नीचे काम करते हैं सोलिसिटर जनरल फिर इनके नीचे काम करते एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनकी पोस्ट हाई कोर्ट के जज के समान इनकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के समान होती है नेक्स्ट पंडित राम नारायण वॉज ए पॉपुलर डैश प्लेयर हु इज क्रेडिटेड विद मेकिंग द इंस्ट्रूमेंट एज अ सोलो कंसर्ट इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है कि पंडित राम नारायण एक लोकप्रिय वादक थे जिन्हें एकल संगीत वाद यंत्र के रूप में वाद यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है आंसर पंडित राम नारायण की बात करते हैं जो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे सारंगी बजाते थे ये ठीक है ये इनका जो नाम है वो सारंगी के साथ में जुड़ा हुआ है उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स

नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पेशावर एंड मथुरा वर द टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर ड्यूरिंग द रूल ऑफ पेशावर और मथुरा किसके शासन के दौरान सत्ता के दो प्रमुख केंद्र थे कुषाण काल में कुषाण के दौरान कुषाण काल कुषाण वंश के शासन के दौरान ठीक है चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट दो हजार बाईस एशियन गेम्स विल बी हॉस्टेड बाय डेश 2022 के एशियन गेम्स जो कि हो रहे हैं 2023 में कौन होस्ट कर रहा है इनको चाइना इनको होस्ट कर रहा है होंगजो सिटी के अंदर इनका आयोजन किया जा रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है ठीक है नेक्स्ट अच्छा एशियन गेम्स में कोई भी मेडल जीतने वाला जो पहला देश बना था ये इंडिया था ध्यान रखिएगा ठीक है ठीके? भारत में किस पंचवर्षीय योजना को गाड़गिल योजना के नाम से भी जाना जाता है कौन सी ऐसी कौन सा ऐसा फाइव ईयर प्लान है जिसे क्या कहा जाता है जिसे कि गार्डगिल योजना के नाम से जाना जाता है तो ये कौन सा है थर्ड फाइव ईयर प्लान है ये कौन सा हो जाएगा थर्ड फाइव फाइव ईयर प्लान का रशिया से लिया गया फर्स्ट फाइव ईयर प्लान आया 1951 से लेकर 56 तक आया था नेक्स्ट विजय दोट मैंशन इन द स्टेट लिस्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है फिशरीज पब्लिक ऑर्डर पुलिस या फिर फॉरेस्ट फॉरेस्ट जो है ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता ये कॉन लिस्ट में आता है ठीक है ये किस में आता है कॉन लिस्ट में आता है कॉन लिस्ट में टोटल जो है 52 विषय हैं स्टेट लिस्ट की बात करेंगे टोटल 61 विषय हैं एंड यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो टोटल 100 इसके अंदर विषय यानी सब्जेक्ट्स हैं ठीक है आगे चले नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एडवाइजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मे दो हजार बाईस में यहां पे किनको जो है इनका एडवाइजर अपॉइंट किया गया था तो इनका जो एडवाइजर है ये अपॉइंट किया गया था उस समय तरुण कपूर जी को नेक्स्ट ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के जो लेखक या लेखिका हैं इनमें से कौन है ये जो पर्टिकुलर बुक है वो लिखी गई है किसके द्वारा ग्लोरी ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है कमला देवी चट्टोपाध्याय कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इस बुक को लिखा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हाँ जी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इंडियाज फर्स्ट यूनिक रोक म्यूजियम इन विच सिटी भारत के पहले रोक म्यूजियम का उद्घाटन किया गया कौन से शहर में इंडिया का फर्स्ट जो रोक म्यूजियम बनाया गया कहाँ बनाया गया मूसी नदी के किनारे हैदराबाद के अंदर इसको बनाया गया ठीक है हैदराबाद के अंदर बनाया गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हु द बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम एक बुक आती है डेवलपमेंट एज फ्रीडम के नाम से आपसे पूछा जा रहा है कि इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया तो आंसर इज सेन। किसने लिखा है इस बुक को अमर्त्य सेन ने इस बुक को लिखा है ठीक है चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव मेगस्थनीज़ ने निम्न में से किस मौर्य नगर के प्रशासन का विवरण दिया है ने किस मौर्य नगर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया है तो मेगस्थनीज़ की एक बुक आती है जिसका नाम है इंडिका क्या नाम है बुक का इंडिका पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया है ये जगह बिहार के अंदर मिलेगी अब ठीक है नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से स्टेट की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है कौन से स्टेट की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में है यानी कि कम हो रही है नेगेटिव में पूछा जा रहा है किसकी हो जाएगी दैट इज नागालैंड ठीक है कौन से स्टेट की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो क्या है नेगेटिव में है तो विच इज दैट इज कर्नाटका ओके चलो 0.58 पे ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगी सबसे ज्यादा आप यहां पे देख सकते हैं जो ग्रोथ रेट है इंडिया की एवरेज टोटल 17.64 तमिलनाडु के सबसे ज्यादा 15.6 फिर गोवा हो जाएगा फिर केला में 4.9 परसेंट है चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 37 इन इंडिया वेन प्रेजिडेंट इज टू बी इंपीच फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज प्रोफर्ड बाई डैश जब संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लगाया जाता है तो आरोप जो लगाया जाएगा वो संसद के किस सदन में होगा तो मैंने आपको बताया था इम्पीचमेंट का प्रोसेस जो है लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है शुरू करने के लिए कितना चाहिए 25 प्रतिशत और प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना चाहिए 66 परसेंट चाहिए ठीक है 66% यानी कि 2/3 चाहिए और यहां से प्रस्ताव पारित होने के बाद जाएगा राज्यसभा में यहां भी 66% चाहिए पारित होने के लिए और बीच में 14 डेज का फिर नोटिस टाइम पीरियड है जो प्रेसिडेंट को दिया जाता है शुरुआत करने के लिए 25% जहां से शुरू होगा उसके दूसरे सदन में ही दूसरे सदन में शुरू करने के लिए 25% की जरूरत नहीं है उसके बाद दोनों में सिर्फ 66%, 66 चाहिए ठीक है तो ये किसी भी हाउस से शुरू किया जा सकता है इंपीचमेंट जो है वो किसी भी हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी ओके नेक्स्ट लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का जब इंपीचमेंट हालांकि उनके इम्पीचमेंट को लेकर कोई आर्टिकल नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेकिन जब इनको इनकी पद से हटाया जाएगा तो वही प्रोसेस वही होगा और ये राज्यसभा से ही शुरू होगा सिर्फ लोकसभा से नहीं होगा क्योंकि वो सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट को एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है ऑफ राज्यसभा रणथमोर जो कि एक टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क है यह है कौन से स्टेट के अंदर आपको मिलता है कहाँ पे मिलेगा राजस्थान के अंदर है रणथम टाइगर रिजर्व जो है इसकी लोकेशन आपको मिलती है कहां पे राजस्थान के अंदर यहीं पर आपको मिलेगा क्योला देव घाना नेशनल पार्क घाना नेशनल पार्क ठीक है यहीं पर आपको और भी टाइगर रिजर्व मिलते हैं लेटेस्ट जो बना था दैट इज बुंदी रामगढ़ ये ऐसे लिखो बुंदी रामगढ़ ये लेटेस्ट यहां पे टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान के अंदर ठीक है तो ये भी ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन पंडित बिरजू महाराज कौन से डांस फॉर्म के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है आपसे पूछा जा रहा है जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनका नाम कौन से डांस फॉर्म के साथ में जुड़ा हुआ है तो इनका नाम जुड़ा है कथक के साथ में ये कौन से स्टेट का डांस फॉर्म है ये यूपी का डांस फॉर्म है कौन से स्टेट का है यूपी का डांस फॉर्म है ठीक है नेक्स्ट हां जी क्वेश्चन नंबर फोर्टी क्वेश्चन नंबर फोर्टी में पूछा जा रहा है मेगस्थनीस शो के एक राजदूत था जिसे निकेटर नामक डैश शासक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था तो ये कौन सा राजदूत था ये था ग्रीक एम्बेसडर ग्रीक राजदूत था ठीक है ग्रीक राजदूत था ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर मेगस्थनीज के बारे में पीछे हमने पढ़ा इनकी बुक आती है इंडिका के नाम से नेक्स्ट क्वेश्चन गम तिहा निम्न में से किस राज्य का एक क्या है ये फो, ये फोक डांस है ये क्या है डांस फॉर्म है कौन से स्टेट का झारखंड ओडिशा बिहार या फिर छत्तीसगढ़ तो ये डांस फॉर्म किया जाता है छत्तीसगढ़ में यहां पे एक पंथी डांस फॉर्म भी होता है ठीक है एक होता है यहां पे पंडवानी डांस फॉर्म एक होता है राउत डांस फॉर्म ये तीनों कहाँ किए जाते हैं छत्तीसगढ़ में किए जाते हैं ठीक है नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच फॉलोइंग विच अमंग दीज इज ऑल्सो एज लैंड ऑफ मिलियन एलिफेंट्स मिलियन एलिफेंट्स के नाम से कौन से जाना जाता कहां पर मतलब हजार हाथियों की भूमि कहा जाता है कौन सी जगह को कहा जाता है लाउस को कहा जाता है और सफेद हाथी पूछा जाए तब आंसर करके आएंगे थाईलैंड में है और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स हैं ये आपको मिलते हैं कर्नाटका के अंदर ठीक है कहा सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स हैं ये मिलेंगे कर्नाटका में नेक्स्ट दर्ल्ड फेमस खजुराहो स्कल्पचर्स आर लोकेटेड इन डैश विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो मूर्तियां हैं ये कहां पर लोकेटेड है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो जो मूर्तियां हैं आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से जगह पे लोकेटेड है गुजरात महाराष्ट्र एमपी या फिर ओडिशा के अंदर आपको मिलेंगे तो ये मिलेंगे महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मिलेंगे ठीक है औरंगाबाद में कहाँ पे औरंगाबाद में यहां पे एलोरा केव्स अजंता केव्स एलिफेंटा केव्स हैं आपके ठीक है एलिफेंटा केव्स सेवन है और अजंता केव्स ट्वेंटी नाइन है और जो है एलोरा केव्स थर्टी फोर है संख्या में अच्छा कन्हेरी भी तो है यहाँ पे कन्हेरी एक सौ आठ ये भी औरंगाबाद में है ओके okay, नेक्स्ट चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर डैश इज रेफर टू एज द फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन जो है ये किन्हीं कहा जाता है आज मैं कमेंट्स ज्यादा नहीं लूंगी क्योंकि इतना टाइम है नहीं क्वेश्चन है एग्जाम आ रहा है ना तो थोड़ा सा हम लोगों से ज्यादा सीरियस आप लोग हो जाओ काफी बच्चे हो गए गौरव एमपी नहीं है एक सेकेंड रुक जाओ क्या पूछा था एक मिनट रुक जाओ भाई केव अच्छा सॉरी खजुराहो सॉरी 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 खजुराहो पूछा था क्या ओके खजुराहो मूर्तियाँ पूछी है और मेरे दिमाग में ना पता है केव्स चल रही थी सॉरी चलो कोई बात नहीं इसको ठीक कर लो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा एमपी मेरे दिमाग में चल रहा था खजुराहो वो सॉरी मेरे दिमाग में केव्स चल रहा था कि, कि गुफाएं पूछी गई हैं जो कि तीन गुफाएं जनता मुझे लगा इन तीनों में से एक गुफा पूछी गई है मैंने ध्यान ही नहीं दिया खजुराहो बोला खजुराहो लेकिन दिमाग में वो चल रहा था तो खजुराहो के जो मंदिर हैं ये भी आपको एमपी के अंदर मिलते हैं जो कि चोल राजाओं ने इनको बनवाया हुआ है ठीक है वो ब्रदेश्वर टेम्पल है जो चोल राजाओं ने बनवाए हैं ये खजुराहो टेम्पल है एम के अंदर आपको मिलेंगे भी खजुराहो डांस फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाता है ठीक है यूनेस्को के लिस्ट में ये शामिल है तो इनका जो निर्माण है नौ सौ पचास की ईस्वी में चंदेला राजपूत वंश ने करवाया था चंदेला राजपूत वंश ने करवाया था ब्रदेश्वर टेम्पल जो कि तमिलनाडु के तंजावर में मिलेंगे ये चोल राजाओं ने बनवाए थे ठीक है चलो आगे चलो इसका मतलब तुम लोग जग रहे हो है ना जग रहे हो तुम लोग यहाँ पे ओके okay, तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सिविल एविएशन जो है फादर ऑफ इंडियन सिविल एविएशन ये किन्हें कहा जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर जो है ये किन्हें कहा जाता है जहांगीर रतन जी दाद टाटा को कहा जाता है जहांगीर रतन जी दाद टाटा को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हाँ हाँ कमेंट्स देख लिया नहीं नींद नहीं आ रही है मुझे ठीक है तुम लोग तो पीछे ही पड़ जाते हो करेक्ट करवा दिया है मैंने आप थोड़ा सा आगे चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तुम के चक्कर में कभी कभी हम भी भावनाओं में बह जाते हैं क्या करें महावीर इज बिलीव्ड टू बी द लास्ट ऑफ द डैश तीर्थकर महावीर को तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माना जाता है अब अंतिम तीर्थकर माना जाता है यानी कि चौबीसवें नंबर के होंगे है ना चौबीसवें नंबर के ये जैन तीर्थकर हैं भगवान महावीर को पहले कौन थे पहले थे ऋषभ पहले तीर्थकर ऋषभ को कहा जाता है DRDO के स्थापना जो है ये कब की गई थी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को 1958 में बनाया गया दिल्ली के अंदर मिलेगा इसका हेडक्वार्टर आपको और इसके हेड हो जाएंगे कौन समीर वी कामत ये DRDO के नए हेड हैं, ठीक है ठीके? हाँ जी नेक्स्ट बात करते क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इज इन डैश जो इकोनॉमिक प्लानिंग है वो कौन सी लिस्ट का पार्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है जिसपे दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं 52 आते हैं पहले कितने थे 47 थे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 इनमें से किसी भारतीय स्वतंत्र संग्राम के दौरान सारे जहां से अच्छा हिंदो हमारा के नारे के लिए जाना जाता था ये जो नारा है किसने दिया था तो हम सभी जानते हैं मोहम्मद इकबाल ने ठीक है किसने मोहम्मद इकबाल ने ओके नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी पानी की झील जो है ये कौन सी है लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक हमारी चिल्का लेक है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक हमारी सिर्फ मैं लेक पूछूं लार्जेस्ट कौन सी है सबसे बड़ी लेक तो ये कौन सी हो जाएगी दैट इज लेक जो कि केरला के अंदर है ये कहाँ केरला में है वुलर लेक जम्मू कश्मीर में चिल्का लेक ओडिशा में चिल्का लेक सबसे बड़ी हमारी लेगून लेक भी है और ये जो है फर्स्ट रामसर साइट भी है फर्स्ट रामसर साइट भी है ठीक है चले नेक्स्ट और पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी फ्रेश वॉटर लेक है सुपीरियर लेक सबसे बड़ी लेक पूरे वर्ल्ड की है कैशपियन सागर और सबसे बड़ी खारे पानी की लेक कौन सी वर्ल्ड की ये भी कैशपियन सागर है ठीक है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज इंक्लूडेड एज ट्वेंटी स्टेट ऑफ इंडिया जो 28th स्टेट बना था इंडिया का ये कौन सा बना था तो ये था कौन सा झारखंड 28th जो स्टेट बना था ये कौन सा बनाया गया था दैट इज झारखंड जो कि नवंबर 2000 में ये बना था 28वां इससे पहले बना 27वां राज्य उत्तराखंड 26वां राज्य था छत्तीसगढ़ ठीक है तो वैसे तो तेलंगाना होना चाहिए करेक्ट आंसर क्योंकि 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था लेकिन आप सभी जानते हैं कि 2019 के अंदर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है इसे यूटी बनाया गया था इसलिए नंबरिंग में गड़बड़ है समझ गई मेरी बात को ये बाद में यूटी बने हैं पहले जो स्टेट इनको कंसिडर किया जा रहा था तो इसलिए नंबरिंग में गड़बड़ है लेकिन उस समय के हिसाब से चलेंगे हम आज के हिसाब से नहीं चलेंगे नवंबर 2000 में जब झारखंड बना था तब ये अट्ठाइसवा नंबर पर ही इसको ये मिला था ठीक है तब ये अट्ठाईसवा था और टोटल आज अट्ठाईस राज्य हैं, जबकि लेटेस्ट जो है कौन सा ये तेलंगाना है 2014 में बना आई होप कि मेरी ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, है ना आगे चले चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन जो है क्वेश्चन नंबर फीफा अंडर वुमेन्स वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन कंट्री इन अक्टूबर 2022 इसका जो आयोजन है ये किया गया भारत के अंदर और ये था फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप था ठीक है कहा हुआ था भारत में इसका आयोजन किया गया था तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑर दूलर्स इशूड कॉपर कॉइन्स नेम्ड एज जीतल जो जीतल तांबे का जो सिक्का जारी किया गया जिसे क्या कहा गया जीतल कहा गया ये किसने जारी किया इन्होंने दो सिक्के जारी किए थे जो सिल्वर का सिल्वर कॉइन चांदी का सिक्का जारी किया इसे टंका कहा गया और जो कॉपर का सिक्का जारी किया इसे जीतल कहा गया था किसने जारी किए थे ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश ने किसने इल्तुतमिश ने जारी किए थे इसकी बेटी रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 40 तक इसने रोल किया इल्तुतमिश तो की डेथ के बाद में ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन विच ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वॉज पास जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये कब आता है तो ये एक्ट आया था 1980 में और एनवायरमेंट को लेकर एक्ट लेके एक्ट आया 1974 के अंदर आया था ठीक है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो ये आता है नाइनटीन के अंदर तो ये सारी आपको एक्ट जो है वो ध्यान रखने हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी फोर जी इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित है जहां विजेता के लिए कोई पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है तो ये मलेशियन ओपन होता है ठीक है ये मलेशियन ओपन होता है अच्छा ऑप्शन बी और सी फिर सेम हो जाएंगे ठीक है यहाँ पे ये यह ट्रांसलेशन नहीं हो रखा है इसका चाहे बी मानो चाहे सी सीमालेशियन ओपन इज इन से इसमें कोई भी यू नो प्राइज मनी नहीं दिया जाता है ठीक है थॉमस कप और उबर कप के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं ठीक है चलो तो बैडमिंटन खेल जो है ये 1977 में शुरू हुआ था 1983 तक तो ये हर तीन साल में एक बार आयोजित किया जाता था और अब इसका आयोजन ईयरली होता है एनुअली हर साल किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 मटकी मटकी क्या है एक फोक डांस है अब ये कौन से स्टेट के अंदर किया जाने वाला फोक डांस है मटकी जो फोक डांस है ये किया जाता है एमपी के अंदर जहाँ पे सबसे बड़ा जो डांस फेस्टिवल होता है ये होता है खजुराहो डांस फेस्टिवल कौन सा है सबसे बड़ा खजुराहो डांस फेस्टिवल है इसका आयोजन यहां पे किया जाता है 220 वाचिंग चल रही 84 लाइक्स हैं मतलब कम से कम गाइस जितना वाचिंग चला उतना लाइक like कर दो सेशन को देखो मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है अब मेरी एनर्जी आप लोगों के हाथ में है जल्दी से सेशन को इतने लाइक्स कर दो कि मेरी सारी एनर्जी मुझे वापस मिल जाए और फिर देखो क्या खतरनाक एनर्जी और जोश के साथ आगे के क्वेश्चंस कराती हूँ पचास और बचे हुए अभी क्वेश्चंस हुए नहीं है अभी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है किस संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटा के अठारह की थी तो ये था सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 के अंदर ये आता है 1989 के अंदर इसको लागू किया गया था ठीक है आर्टिकल 326 में अमेंडमेंट किया और 21 से घटा के जो वोट डालने की एज है वो 18 की गई थी आईसीएमआर के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या हो जाएगी आई बताओ ये क्या है ICMR की बात करेंगे ये क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मेडिकल रिसर्च इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट निम्न में से किस राज्य में लोकसभा सीटें जो हैं वो सबसे अधिक है तो हम सभी जानते हैं कि जो लोकसभा सीटें हैं वो यूपी में सबसे अधिक है लेकिन ऑप्शन में यूपी नहीं है ये ऑप्शन में दिया है वेस्ट बंगाल, गुजरात आसाम एंड राजस्थान जो है ये आपको ऑप्शन में दिया गया है तो बताइए सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटें हैं वो कौन से स्टेट में आपको मिलेंगी तो ये आपको मिलती हैं वेस्ट बंगाल के अंदर ठीक है कितनी सीटें वेस्ट बंगाल में तो टोटल की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फोर्टी टू है और मैंने आपसे कहा यूपी में सबसे ज्यादा है एट्टी कितनी है एटी लेकिन यूपी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से हम वेस्ट बंगाल आंसर करेंगे ठीक है यूपी में एटी है जो कि सबसे ज्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन हिमा दास जो है ये एक शूटर है एक स्विमर है स्प्रिंटर है या फिर ये वेट लिफ्टर है तो हम सभी जानते हैं हिमा दास के बारे में है ना जो कि दौड़ने में सबसे आगे रहती हैं यानी कि ये क्या है स्प्रिंटर हैं ये क्या है स्प्रिंटर है ठीक है चलिए नेक्स्ट आसाम से ये बिलोंग करती हैं हां जी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है कौन से स्टेट के अंदर ये आपको मिलेगा एमपी के अंदर कान्हा नेशनल पार्क पन्ना पेंच बांधवगढ़ सतपुड़ा वन विहार ये सारे नेशनल पार्क जो हैं वो एमपी के अंदर लोकेटेड हैं ठीक है तो ये ध्यान रखिएगा नेक्स्ट बात करेंगे कुनो नेशनल पार्क भी एमपी में जहां पे चीताज रखे गए थे कुनो नेशनल पार्क ये भी एमपी में मिलेगा सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर जनरली फाउंड इन डैश सवाना और वेल्ड जो है ये क्या है ग्रासलैंड्स है तो जनरली जो है ये कहाँ पाए जाते हैं आपको बताने कहां ये पाए जाते हैं काफी बार हो चुका ये क्वेश्चन तो है ना ये कहां पाए जाते अफ्रीका में तो चलो मैं आपको सब बता देती यहां पे जैसे कि देखो जो घास के मैदान होते हैं ये एंड नॉर्थ एशिया में मिलेंगे पुस्ताज हंगरी में प्रेरीज घास के मैदान यूएसए में पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना डाउन्स ऑस्ट्रेलिया ये कई बार पूछे गए हैं दोनों ओके लानोस वेनेजुएला टाइगा जो है वो यूरोप में सलवास जो है वो साउथ अमेरिका कैंपोस जो है ये पाए जाते हैं ब्राजील के अंदर ठीक है नेक्स्ट द फेमस हुमायूं मॉस्क इज बिल्ट इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा स्टेट आपको बताना कि प्रसिद्ध हुमायूं मस्जिद जो है हुमायूं मस्जिद जो है ये कौन से स्टेट में मिलेगी हरियाणा के फतेहाबाद में <laughs> कहा मिलेगी हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है ठीक है हुमायूं मस्जिद जो है हरियाणा फतेहाबाद में मिलेगी इसकी लोकेशन 1997 के अंदर फतेहाबाद बना था एक जिला हरियाणा का बट दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट चलो क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेंगोल के दीवानी को एक्वायर किया था बेंगोल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक्वारी दीवानी ऑफ बंगाल को कौन सा ईयर था जिन्होंने खून पी रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी 1765 की अंदर के अंदर इन्होंने बंगाल के दीवानी को अपना बना लिया था भाई ठीक है ये ईयर था 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी हमारे यहां पे इसने 1613 में पहला कारखाना ओपन किया था सूरत के अंदर 1608 में गए थे विलियम हॉकिन्स परमिशन लेने के लिए ओके चलो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फोर पे हम आ चुके हैं दैट इज क्वेश्चन क्या है हु डिनाउंस्ड द कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनोरिटी सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में किने जाना जाता है किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया बोला था तो ये लॉर्ड किसने बोला था लॉर्ड डफरिन आएगा कर्जन नहीं आएगा यहाँ पे लॉर्ड डफरिन ने बोला था ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर बी इज योर आंसर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हजारों बार मैं आपको बता चुकी हूँ ये चीजें आई होप् टिप्स पर आप लोगों को याद हो चुकी होंगी ठीक है ना नेक्स्ट चले ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटी फाइव देखो विच ऑफ देंट्स आर ऑल्सो नॉन एज रोरिंग फोर्टीज इसमें से बताना है कि गरजता चालीसा जो है ये किन्हें कहा जाता है तो वेस्टर्लीज विंड प्रचंड पचासा प्रचंड पचासा ये भी वेस्टर्लीज को कहा जाता है प्रचंड पचासा गरजता चालीसा बहुत तेज चलती हुई हवाएं होती हैं ये ठीक है जिन्हें ये पवने होती हैं वेस्टर्लीज होती हैं ये जो कि ट्रेड विंड के नाम से भी इन्हें जाना जाता है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू द यूनियन एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है ये कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है तो यूनियन जो है वो 52 से लेकर 78 दिया गया है, ओके? और 52 से लेकर 78 दिया गया है वो यूनियन एग्जीक्यूटिव फिर बाद में स्टेट वाला शुरू हो जाता है पार्ट कौन सा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट फाइव है बावन से लेकर ये आपका इसमें दिया गया है प्रेसिडेंट इसमें दिया गया है

वॉट इज अ टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस इन इंडिया हम सभी जानते हैं कि शास्त्रीय भाषाएं जो है हमारे देश में ये कितनी है बताओ क्लासिकल लैंग्वेज की बात कर रही हूं मैं तो क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो हमारे देश में कितनी है इसका आंसर मैं नहीं करूंगी मुझे देखना है कि कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं अच्छा और कंफ्यूज मत होना एक है क्लासिकल डांस फॉर्म एक है क्या क्लासिकल डांस फॉर्म ठीक है ये होता है कितना आठ प्रकार का लेकिन क्लासिकल भाषाओं की बात करेंगे तो ये कितनी होती है देखा खा गए ना चक्कर चक्कर खा गए कि नहीं खा गए तो ये कितनी होती हैं छह होती हैं जो कि आठवीं अनुसूची के अंदर इनके बारे में दिया गया ये छह भाषाएं कौन कौन से तमिल संस्कृत कन्नड़ तेलुगु मलयालम ओडिया क्लासिकल लैंग्वेज पूछा था मैंने सब आठ 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 आंसर करते चले गए भावनाओं में बहते बहते डूब गए सब के सब छह छाए हो जाएंगी नेक्स्ट विच इज द द लोएस्ट लेयर ऑफ दफियर सबसे लोएस्ट जो लेयर कहा से शुरू होती है कहा से शुरू होती है तो जो एटमोस्फेयर में पांच लेयर्स मिलेंगी आपको चार तो ये दी गई हैं और एक पांचवी होती है एक्जोस्फेयर एक होती है एग्जोस्फेयर बाह्य मंडल जो सबसे आउटर होती है ये सबसे आउटर होती है शुरुआत कहां से होती है ट्रोपोस्फीयर से शुरुआत होती है ट्रोपोस्फीयर में ही आपके जो मौसमी परिवर्तन हो गए वेदर में जो भी चेंजेस हो गए एयरक्राफ्ट उड़ते हैं वो सब ट्रोपोस्फीयर में होते हैं ओजोन लेयर जो मिलेगी ओजोन लेयर ये आपको समताप मंडल में मिलेगी ओजोन लेयर जो है ठीक है ओके okay, एंड जो है यहाँ पे रेडियो वेव्स जो है वो आके रिफ्लेक्ट होती हैं जिसकी वजह से आप धरती पे प्रसारण सुन पाते हैं तो शोभ मंडल है सबसे निचली जो परत है सबसे निचली जो लेयर है म्यांमार की करेंसी क्या है बताइए म्यांमार की करेंसी जो है ये क्या है क्या हो जाएगी क्या तो? म्यांमार के अंदर कौन सी करण से यूज की जाती है क्या म्यांमार पहले भारत का पार्ट हुआ करता था जब इसे बर्मा कहते थे फिर इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के तहत इसे भारत से अलग कर दिया और बाद में जो इसका नाम है वो चेंज करके क्या किया गया म्यांमार किया गया ठीक है आगे चले नेक्स्ट देखो किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है लिब्रेटेड एज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आपको बताने की वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी विच इज योर करेक्ट आंसर बताओ वर्मा नहीं है वर्मा जी नहीं थे म्यांमार बर्मा था बर्मा बर्मा हां जी तो कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आई थिंक होगा ट्वेंटी थ्री मार्च आई थिंक सो ट्वेंटी थ्री मार्च लेट्स चेक द आंसर यस ऑफ मार्च को ये मनाया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको मनाया जाता है इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यू एम ओ का द आर्टिकल वाई आई एम एन एथिस्ट वॉज रिटन बाय डैश ये किसके द्वारा लिखा गया मैं नास्तिक क्यों हूं मैं नास्तिक क्यों हूं ये किसने लिखा था तो ये लिखा था भगत सिंह ने किसने लिखा था ये लिखा था भगत सिंह ने ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू क्वेश्चन नंबर सेवेंटी टू इसमें आपसे पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष संविधान सभा की मांग की थी संविधान सभा की मांग की थी सबसे पहले नाइनटीन 1929 में लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ऑफिशियल रिटर्न डिमांड ऑफिशियल रिटर्न डिमांड ऑफ संविधान सभा ये एन एम एन रॉय ने की थी किसने की थी एम एन रॉय ने की थी आप मुझे बता दो तो फर्स्ट ओरल डिमांड जो है ये किसने करी थी फटाफट पत से आंसर छाप दो कमेंट सेक्शन में मौखिक डिमांड सबसे पहले जो है ये किसके द्वारा की गई थी ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर नेक्स्ट तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हु फॉलोइंग दस्टब्लिश अ मॉडर्न एमोर् इन डिंडीगुल मैसूर इन 1755, 1755 में डिंडीगुल मैसूर ये जगह जो है वो तमिलनाडु में मिलती है डिंडीगुल नाम की जगह अभी मैसूर जो है वो कर्नाटका ठीक है में किस आधुनिक शस्त्रागार को स्थापित किया गया था सो so, यहाँ पे एक शस्त्रागार जो है वो स्थापित किया गया था डिंडीगुल किला सोलवी शताब्दी में जो तमिलनाडु के अंदर बनाया गया था तो किसने इसको बनाया हैदर अली ने ठीक है किसने हैदर अली ने चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर ओ एन जी सी को दो हजार बाईस में पहली महिला मिली थी <laughs> देखो क्वेश्चन कैसे बना हुआ है ये नहीं कि फर्स्ट वोमेन सीएमडी कि अपॉइंट किया गया क्वेश्चन ऐसे बना है कि ओ एन जी सी को पहली महिला मिली सी एम डी बनाने के लिए वाह क्या मतलब क्रिएटिविटी है ना हमारे कंटेंट मैनेजर की भी धन्य है हम ऐसे हमको कंटेंट मैनेजर जो मिले हैं चलो भैया बताओ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हम्म आंसर आंसर भाभी नहीं है आंसर है है आंटी ठीक अलका मित्तल होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो अच्छा ओ एन जेसी विदेश लिमिटेड अभी क्या बन चुकी है नवरत्न कंपनी मत जाना ओ एन विदेश जो है वो क्या बन चुकी है नवरत्न बन चुकी है When was the women's hockey club, in India. भारत की अंदर women's hockey club जो है है ये कब बनाया गया था 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 वो कौन सा था? 1975 था। uh, PYQ है क्या ये मैम नहीं पीवाई क्यू नहीं है ये ये आपको पीवाई क्यू दिख रहे हैं है ये तो मैं आ, क्या कह रहे हैं ये तो मैं समोसे बांट रही हूँ भंडारा चल रहा है सब्जी पूड़ी चावल ये सब मिल रहा है यहाँ पे पीवाई क्यू थोड़ी चल रहा है यहाँ पे आपको किस एंगल से दिख रहा है कि मैं पीवाई क्यू पढ़ा रही हूँ कहीं से नजर आ रहा है चलो भाई तो भंडारे में अगली जो प्लेट है वो देखो क्या है नंबर सेवेंटी सिक्स है ठीक है राजस्थान में कौन सा कॉस्ट्यूम जो है वो यहाँ पे पहना जाता है धोती कुर्ता बिल्कुल सही है अंग रखा बिल्कुल सही है पगड़ी भी ठीक है तो यानी कि ये सब कुछ ही है ऑल ऑफ करेक्ट आंसर मुंह में पानी आ गया सब्जी जी पूरी सुन के यहाँ चलो फिर ये देखो भैया ये पूरा जो है ये पगड़ी पहनी जाती है ये अंगरखा हो गया जूती हो गई धोती कुर्ता हो गया ये सब पहना जाता है ना अंकल जी कितने बढ़िया लग रहे हैं एकदम देख रहे हो मुछे, मुछे देख रहे हो चलो शान नेक्स्ट वो इज द ऑथर ऑफ अभि अभिज्ञान शकुंतलम आपको बताना है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये किसकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये किसकी रचना है तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ये कालिदास की रचना है मेघ दूत भी इन्हीं की रचना है ठीक है मेघ दूत जो है वो भी किसकी रचना है कालिदास की रचना है ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर ठीक है नेक्स्ट किस अवध शासक ने भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था किसने दिया था शाह आलम द्वितीय को आश्रय दिया था एक अवध शासक ने जो कि कौन थे 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 इन्होंने कहा कि चलो तुम हमारे रह लो शिजाउद के साथ के साथ बनारस की सिंधे के साथ में एक युद्ध समाप्त हुआ मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इन्होंने जो है वो जगह दी थी अंग्रेजों के खिलाफ इसी टाइम पे चल रहा था बक्सर का युद्ध ये उस दौरान की बात है बक्सर का युद्ध जो है ये चल रहा था जो कौन से संधि से समाप्त हुआ था इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फॉलोइंग वॉज नॉन एज लाइन ऑफ पार्लियामेंट संसद के शेर किने कहा जाता है आपको बताना है संसद का शेर जो है यह किसे कहा जाता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताइए संसद का शेर किन्हें कहा जाता है विच इज आंसर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेरी गुड डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इन्हीं को संसद का शेर कहा जाता है ठीक है तो बेसिकली uh, uh, ये जो है एक पॉलिटिक्स बैरिस्टर शिक्षाविद के रूप में रह चुके हैं और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यह हम सभी जानते हैं ठीक है नेक्स्ट द नदी सूक्त हेम इज इन द डैश अच्छा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे एक टनल भी तो है वो भी ध्यान रखिएगा उस टनल का नाम है चेनानी नाशेरी चेनानी नाशेरी जो टनल है जो जम्मू कश्मीर में मिलती है ये हमारे देश की लॉन्गेस्ट जो है वो रोड टनल है इसका नाम रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे इसी का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है ठीक है चलिए आप बताइए क्वेश्चन नंबर एट्टी नदी सूक्त ये आ, किस में दिया गया है सामवेद में ऋग्वेद या अथर्व अथर्ववेद में ये दिया गया है ऋग्वेद में और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है हमारा सबसे पुराना वेद जहां से संस्कृत साहित्य की शुरुआत हुई थी ये इसके अंदर आपको दस मंडल मिलते हैं कितने दस बंडल मिले सबसे नया वाला वेद कौन सा है यह अथर्वेद है यह हो जाएगा न्यूएस्ट वेद अथर्वेद जो है यह न्यूएस्ट है सबसे नया है ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटी वन क्वेश्चन नंबर एटी वन विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर वो ऑन दिल्वर मेडल एट ट्वेंटी ट्वेंटी टू ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता इतना पुराना क्वेश्चन है ये 2022 का है लेकिन ये मत सोचना 2022 का कुछ आएगा नहीं ठीक है लक्ष्य सेन ने जीता था किसने जीता था सिल्वर मेडल जीता था बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर लक्ष्य सेन ने क्वेश्चन देखते याद आ जाना चाहिए इतना अच्छे से तैयारी कर लो कि ऑप्शन देखते फटाक से नजर वही जाए जो आंसर है देखा जाए तो पेपर में कितना अच्छा होता है कि आंसर आपके सामने होता है चार ऑप्शन में से थोड़ा सा तैयारी अच्छे से कर लोगे एक बार चार ऑप्शन देखोगे आंसर नजर वही जाएगी जहां आंसर है आपका बाकी तीन ऑप्शन पर नजर ही नहीं जाएगी मेरे साथ तो यही होता है ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं क्लास के अंदर बस एक बार करवाए हुए हैं और मुझे उसके बाद मैंने ये पढ़े भी नहीं अब देखो मेरे को देखते ही मतलब ऑप्शन मेरी नजर जाती है सीधा आंसर के ऊपर तो कंसंट्रेशन कुछ नहीं है कंसंट्रेशन एक कॉन्सेंट्रेशन से एक बार पढ़ लो चीजों को ढंग से और एक बार रिवाइज कर लो और उसके बाद फिर देखो जादू होगा जादू यही होगा कि नजर वहीं जाएगी जहां आंसर होगा समझ गए हाँ ये देखते दिमाग खुल जाए द फर्स्ट प्रोडक्ट अभी सर ट्वेंटी क्वेश्चन बचे हुए हैं द फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया टू गेट जी आई टेक वॉज ये तो आपका कई बार हो चुका है दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग टी को 2004 के अंदर ये फर्स्ट प्रोडक्ट था जब इसे जी आई टेक दिया गया था ठीक तो है है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 83 किस भारतीय राज्य में पंचायती राज संस्थान बिल्कुल भी नहीं चार ऐसे स्टेट हैं जहां पंचायती राज आपको नहीं मिलेगा ठीक है तो ये इनमें से कौन सा है नागालैंड मिजोरम हो गया नागालैंड हो गया ठीक है और कौन सा हो जाएगा एक हो जाएगा आपका यहाँ पे दिल्ली ये चार ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको पंचायती राज जो है ये बिल्कुल भी नहीं मिलेगा नागालैंड मेघालय मिजोरम नागालैंड मेघालय मिजोरम ठीक है नागालैंड मेघालय मिजोरम और यूनियन टेरिटरी दिल्ली इन चार के अंदर पंचायती राज नहीं है बाकी सब जगह पंचायती राज आपको मिलेगा नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा देश जो है वो सबसे गरीब देश के गरीब है तो ये बिहार जो है वो इस लिस्ट में आया था नंबर वन पे सबसे ज्यादा गरीबी जो है वो बिहार के अंदर देखने को मिलती है इसके अलावा बात करते हैं सबसे अमीर राज्य कौन से हैं अमीर राज्य देश बोला था क्या मैंने थोड़ा करेक्ट कर लिया करो ठीक है राज्य केरल है सबसे कम गरीब है फिर गोवा सिक्किम तमिलनाडु पंजाब सबसे कम गरीब है ये यानी कि ये अमीर राज्य है ओके क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव क्वेश्चन नंबर एट्टी फाइव इसमें आपसे पूछा जा रहा है क्या मध्य प्रदेश का पहला बायोमिथिनेशन प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था एमपी का फर्स्ट बायोमेथेनेशन प्लांट था जो कहां बनाया गया भोपाल ये इसके कैपिटल राजा भोज के नाम पे अब भोज मेट्रो कर दिया भोपाल मेट्रो का नाम भी चेंज करके ये भी ध्यान रखिएगा ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर एटी सिक्स आर्टिकल थ्री थ्री एट जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए दिया गया है आर्टिकल थ्री थ्री एट जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसके लिए शेड्यूल कास्ट के लिए दिया है या शेड्यूल ट्राइब के लिए दिया है तो ये दिया शेड्यूल कास्ट के लिए और थ्री थ्री एट ए जो है ये दिया गया है शेड्यूल ट्राइब के लिए और थ्री थ्री एट बी जो है ये दिया गया है ओबीसी के लिए कमीशन तीनों के लिए कमीशन का प्रावधान अलग अलग आर्टिकल तीन सौ अड़तीस शेड्यूल कास्ट तीन सौ अड़तीस ए शेड्यूल ट्राइब तीन सौ अड़तीस बी क्लासेस हमारा आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए चलो कितने खूबसूरत सवाल है आज के सेशन में मतलब मजा ही आ गया करके आगे क्वेश्चन नंबर एटी सेवन इंदौर का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम चेंज करके तातिया मामा कर दिया मामा बना दिया कौन से रेलवे स्टेशन का नाम पातालपानी रेलवे स्टेशन ये हो चुका है तात्या मामा के नाम पे किसके नाम पे तात्या मामा के नाम पे हो चुका है मेरे करंट अफेयर से सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे बस करते रहो तुम लोग आंख बंद करके भरोसा कर लो मैंने जितने एग्जाम एनालिसिस कराए ना एक भी क्वेश्चन बाहर आया नहीं है करंट अफेयर का आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है आगे देखो कुतुबुद्दीन एबक वॉज द फाउंडर ऑफ विच डायनेस्टी आपको बताना है कि ये कौन सी डायनेस्टी से थे कौन भैया इसने तो गुलाम डायनेस्टी की स्थापना करी थी डायनेस्टी गुलाम डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पे मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो वंश था वो गुलाम डायनेस्टी थी ठीक है कौन सी गुलाम डायनेस्टी कुतुबुद्दीन एबक ने इसकी शुरुआत की थी किसने कुतुबुद्दीन एबक ने इसकी शुरुआत की थी गुलाम डायनेस्टी ये शुरू होती है 1210 से और ये चली थी 1290 तक ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा गुलाम डायनेस्टी था यहाँ पे करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक इसे लाख बख्श भी कहा गया क्योंकि इसने लाख रुपए दान किए थे अपनी जनता को भारत की पहली मेट्रो रेल प्रणाली 1984 में आई हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले जो मेट्रो ट्रेन आई थी ये कोलकाता में आई थी 1984 में दिल्ली में कब आई 2002 के अंदर दिल्ली में कब आई ये आई थी 2002 के अंदर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन के लाल किला को किस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो ये कब डिक्लेयर किया 2007 के अंदर मेरा पेन भी पता नहीं कहां चल रहा है भावनाओं में बहते बहते दीप मनी सर आ गए ना वो वेट कर रहे हैं तो 2007 में जो है लाल किला जो कि किसने बनवाया हुआ है ने दिल्ली के अंदर इसको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में जो है शामिल किया था ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइनटी वन एस ने अगस्त 2022 में एक स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए डैश में अपनी पहली अत्याधुनिक समर्थित शाखा जो है वो शुरू की एस ने अपनी पहली ब्रांच ओपन की थी स्टार्टअप्स के लिए ओपन की थी और ये करी थी सिलिकॉन सिटी एंड गार्डन सिटी बेंगलुरु के अंदर एसबीआई ने और अपना एक फ्लोटिंग एटीएम भी बनाया हुआ है कहां पे लेक श्रीनगर के अंदर ठीक है नेक्स्ट ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय 1815 में सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की फिर इसी का नाम 1828 में चेंज करके और क्या कर दिया ब्रह्म समाज कर दिया फिर अठारह में इन्होंने सती प्रथा को क्या कर दिया समाप्त किसके साथ में मिलकर लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ में मिलकर ये थे उस टाइम पे भारत के वायसराय ओके okay, आगे चले नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 93 चलिए क्वेश्चन नंबर 93 की बात करेंगे इसमें क्या दिया गया है देखो नगर पालिकाओं से संबंधित आर्टिकल है 243 5 के तहत क्या वर्णित है वी है 235 थर्टी वी इसमें क्या दिया गया इसमें डिसक्वालिफिकेशन दी गई हैं एक्चुअली सदस्यता को भंग किया जा सकता है अगर आप अयोग्य हैं है ना कोई ऐसा काम किया जो आपको अयोग्य क्लियर करता है तो सदस्यता जो है डिस्कालीफाई हो जाएंगे म्युनिसिपैलिटी के बारे में किसमें दिया गया है जो है। ये के अंदर की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में एड की गई ट्वेल्थ शेड्यूल में ट्वेल्थ शेड्यूल में अठारह सब्जेक्ट है म्युनिसिपैलिटी के ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर इसमें पूछा गया है फ़रवरी 2022 में सीजीए व्यय विभाग वित्त मंत्रालय के रूप में किन का अपॉइंटमेंट किया गया था सोनाली सिंह का हमारे सीजीए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये किन अपॉइंट किया गया था सोनाली सिंह को अपॉइंट किया गया था एज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑफ त्रिपुरा इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली है त्रिपुरा के अंदर तो ये बोली जाती है बेंगोली कौन सी बेंगोली बोली जाती है ठीक है बेंगोली भाषा यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती है तो ये आपको ध्यान रखना कोक -बोरोक ट्राइब है जो कि त्रिपुरा में रहती है इनके बीच बोली जाती है ये वाली भाषा सबसे ज्यादा जो है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा आर्टिकल संविधान के मौलिक अधिकारों में राइट टू फ्रीडम की बात करता है किसकी बात करता है राइट टू फ्रीडम तो ये हम सभी जानते हैं आर्टिकल नंबर से लेकर के ट्वेंटी टू तक दिया गया है उन्नीस से लेकर बाईस राइट टू फ्रीडम दिया है इसमें कौन सा हो जाएगा आर्टिकल नाइनटीन दिया है इसमें से ठीक है तो ये है आपका आर्टिकल नंबर नाइनटीन कौन सा आर्टिकल है जो इमरजेंसी में भी जैसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता तो ये है ट्वेंटी जीने का अधिकार देते हैं जो आपको ठीक है चलो तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं राइट टू इक्वालिटी हो गया इक्वालिटी चौदह से अट्ठारह में दिया गया राइट टू फ्रीडम उन्नीस से लेकर के उन्नीस से लेकर बाईस में दिया गया एक्सप्लाइटेशन जो है शोषण के विरुद्ध ये तेईस चौबीस में दिया गया है रिलीजन वाला जो है वो पच्चीस से लेकर अट्ठाईस में दिया गया है एजुकेशनल कल्चर ये जो है उनतीस तीस में दिया गया है रेमेडीज जो है ये आर्टिकल थर्टी टू के अंदर दी गई है ठीक है नेक्स्ट डीएनए का पूर्ण रूप क्या है वेरी इजी क्वेश्चन इसका आंसर तो सभी लोगों का आ जाएगा होपफुली डीएनए क्या है डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है ठीक है डीएनए की बात करेंगे तो इसके जो फुल फॉर्म है दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट मौर्य एंपायर अशोक पैट्रोनाइज्ड व्हिच सेक्ट ऑफ बुडिज्म अशोक ने बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को संरक्षित किया था किसको मतलब बौद्ध धर्म जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया था हीनयान और महायान में महायान जो थे वो तो बुद्ध को भगवान मानते थे और बुद्ध की शिक्षाओं में भी विश्वास करते थे हेनयान जो पार्ट था ये भगवान नहीं मानते थे महात्मा बुद्ध को लेकिन उनके शिक्षाओं में बिलीव करते थे ठीक है तो अब जो अशोक सम्राट अशोक थे उन्होंने कौन से वाले पार्ट को इन्होंने जो है आ, क्या किया था इन्होंने पेट्रोनाइज किया था तो हीनयान को किया था ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटी नाइन हाँ जी क्वेश्चन नंबर पूछा जाए खानवा खानवा का का युद्ध युद्ध जो है ये कब कब हुआ था का होता ट्वेंटी सेवन के अंदर हुआ था पंद्रह सो सत्ताइस में पंद्रह सो सत्ताइस में हुआ था खानवा का युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए किस किस के बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला हुआ था पंद्रह सो छबीस में ठीक है सारे ऑप्शन देख लो पंद्रह सताइस में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध चंदेरी का अट्ठाईस में हुआ था बाबर और राजपूतों के बीच में उनतीस में मोहम्मद लोधी और बाबर के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध तो ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन याद रखेगा कौन सा युद्ध किसके बीच में हुआ था इज इट ओके और ये हमारी सेंचुरी का आखिरी क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में डेवलप किया था अपनी राजधानी जो है ये किसने बनाया था औरंगजेब बाबर अकबर या हुमायूं ने बनाया था तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और उम्मीद करती हूँ उसका आंसर सब लोग देंगे हम्म फतेहपुर सीकरी का यहीं पर अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया था यहीं पे अकबर ने पंच महल का निर्माण किया था ठीक है और इसी में बुलंद दरवाजा भी यहीं पे जो है बुलंद दरवाजा भी बनवाया जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है एक मस्जिद का ठीक है चलिए ओके गाइज और जितने भी स्टूडेंट्स आज नए आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग को सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे आपको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सारी क्लासेस मिलेंगी आप यूट्यूब पर विजिट करके देखेंगे जो टॉप टॉप टीचर्स है, फैकल्टीज हैं वो आपको बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करवा रहे हैं इसके बाद मेरे बाद दीपमणि सर आ रहे हैं जो आपको साइंस के बाकी क्वेश्चन कवर करवाएंगे इसके अलावा आप मुझसे अगर हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटी डिटेल में पढ़ना चाहते हो यानी कि अपना सिलेबस करना चाहते हो स्टार्टिंग से लेकर तो फिर आप मेरे साथ एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो एप्लीकेशन पे जुड़ने के लिए आपको सिंपली क्या करना है गूगल क्रोम ओपन करना है और उसके बाद अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन टाइप कीजिएगा जिसके बाद आपको जाना है फर्स्ट वाली वेबसाइट पर फर्स्ट वेबसाइट पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज ऊपर ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा और जिसमें एग्जाम की प्रिपरेशन कर, कर रहे हैं यानी कि आप जैसे ए की तैयारी कर रहे हैं

तो अगर आप मल्टीपल काफी सारे एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो आप महापैक की तरफ जा सकते हैं महापैक में आपको हर एक बैच का एक्सेस मिल जाएगा आप किसी भी बैच में कोई भी क्लास कभी भी देख सकते हैं इसकी वॉलिडिटी भी ज्यादा होती है तो मैं एक आपको ओपन करके दिखा देती हूँ जैसे फिलहाल नोटिफिकेशन आया पी ट्रिपल एस बी जिसमें साढ़े तीन सौ वेकेंसीज है यह सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए सबसे बेस्ट रहेगा बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के पास में इस पे क्लिक कीजिएगा पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे एग्जाम से पहले ही कवर कराया जाएगा ट्वेंटी फाइव सेप्टेम्बर से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी है इतना अमाउंट नहीं देना आपको डिस्काउंट बताते कितना मिलेगा एक कूपन कोड आपसे मांगा जाएगा जिसमें आपको फिल करना है ये देखो वाई सेवन सेवन फोर क्या वाई सेवन सेवन फोर फिल करने के बाद कर दीजिएगा अप्लाई तो आप देखेंगे सिर्फ अट्ठाईस सौ रुपए रह गया है आपके लिए ठीक है सिर्फ ट्वेंटी एट हंड्रेड रुपीज में जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं इस बैच को इस बैच में एनरोल कर सकते हैं ठीक है और बाकी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन करते तो उसके ऊपर भी सेम कोड अप्लीकेबल होगा दैट इज वाई सभी के ऊपर इसमें आप एप्लीकेशन से लेते तो सेवेंटी एट परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलता है और अभी कहीं जाना नहीं है अभी दीपमणि सर आ चुके हैं दीपमणि सर आ जाइए हाँ पिट्टू वाले सर आ चुके हैं अगर तो कोई गया यहाँ से तो पिट्टू भी हो जाएगा मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगा तो आ, अभी जाना नहीं किसी को भी बने रहिएगा यहाँ पे ठीक है आपको पता है लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको डेली चीजें बतानी जरूरी होती है हमारे साथ डेली बहुत सारे नए बच्चे हैं जो जुड़ते हैं और पुराने वाले बच्चे तो सब जानते ही हैं है ना हाँ आप जा सकते हो मैम वाह जी वाह ठीक है चलिए ओके हम जा रहे दीपमणि सर आने वाले थे और मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं तो एक सेकंड का टाइम दीजिए मैं एक बार सर को बोल देती हूँ अभी कहीं जाना नहीं है किसी को भी ठीक है और हाँ मेरी करंट अफेयर्स की क्लासेस हो रही है आठ बजे मंथ वाइज मैंने स्टार्ट किया है तो जिसको मंथ वाइज करना है वो सुबह आठ बजे वाली क्लास ज्वाइन करे इसमें जनवरी से लेकर के और मई मंथ तक का हो चुका है पुरानी क्लासेस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मिल जाएगी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और कल होगा आपका मई के बाद कौन सा महीना आता जून ना तो कल जून का करंट अफेयर हम कवर करने वाले हैं ठीक है चलो ओके गाइस सुबह बाय अभी आ रहे हैं दीप पीसर बाय

सो so, सत्येंद्र बाबा इमामी प्रिंस की हाल चाल पूरी गैंग के सो so, यस yes, अब ज्यादा शैतानी नहीं वरना फिर आप जानते हैं क्या होगा राइट right? ओके okay, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम सुपर फास्ट मोड में जाएंगे जहां पे हम लोगों को ना अपने प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं बट राइट सो पीडीएफ वाला पार्ट चिंता मत करो प्रिंस, so, सब को नमस्कार जनता जनार्दन yes. सभी को नमस्कार yes. तो, कहा so, रहा पार्ट एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था मैंने पिछले मैराथन में और उसी मैराथन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो आप सब लोगों को बता दूं कि अपनी क्लास जैसी फिनिश होगी आई एल बी सेंडिंग दी पीडीएफ सर कहां पर आपके कम्युनिटी पे भी आ जाएगी साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी आ जाएगी ठीक चार बजे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी सो so, कैमरा मैं जल्दी से फोकस करो हाँ ओके okay. सो so, गुरु जी जल्दी से खुल जाए सिम एक बार इसे ओपन कर लेते हैं ओके okay. तो सबसे पहले तो वेलकम टू ए ट्वेंटी फोर सेवन और आप लोगों की अभी तक जो क्लास चल रही थी वो पिंकी मैम क्लास ले रही थी अब मैं आगे सिलसिला जारी करूंगा यानी सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा अपनी रेल आगे बढ़ेगी अच्छा ऐसा है क्या गौरव धन्यवाद तो एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था लास्ट क्लास में क्वेश्चन था सर आपका पंद्रह नवंबर दो की दूसरी शिफ्ट का सवाल और सवाल हमसे ये पूछा गया था कि वर्नियर कैलीपर में जो सर रिटेनर होता है ये किस काम का होता है अब भाई साहब पहले ये तो पता लगे कि वर्णियर कैलीपर है क्या अब मान लीजिए मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो बॉटल है इस बॉटल की जो कैप है इस कैप का मुझे कोई डायमीटर बताओ तो मैं इस डायमीटर बताऊंगा कैसे तो सर इसका डायमीटर बताने के लिए मेरे पास एक डिवाइस है और ये डिवाइस कौन सी है विकास क्लास चलेगी बेटा एक बजे तक अब आप लोग दो घंटे साइंस पढ़ो सो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे थोड़ा सा रैपिड फायर मोड पे जाएंगे जहाँ जहाँ जरूर पड़ेगी मैं एक्सप्लेन भी करूँगा अब मुझे सर जब इस ढक्कन का डायमीटर कैलकुलेट करना वॉट आई डू या फिर रेडियस कैलकुलेट करना आई आई यूज़ वर्ननीयर कैलीपर अब वनियर कैलीपर में सर एक पार्ट होता है डेट इज़ रिटेनर अब इस रिटेनर का काम क्या है सर यहाँ पर याद रखिएगा इज यूज टू ब्लॉक अ मूवेबल पार्ट टू अलाउ दी इजी ट्रांसफरिंग ऑफ दी मेजरमेंट तो जितने भी लोग यहां पर प्रेजेंट हैं सर आंसर क्या होगा बी लेकिन सर पिछली क्लास में क्योंकि मैंने आंसर दिया था सॉरी क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने आंसर दिया था तो उसका जरा स्क्रीनशॉट मैं लेके आया हूं आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए थे सर मेरी हमेशा की आदत है कि दो चीजें एक तो आपके जो भी कमेंट्स होते हैं मैं हमेशा ही देखता हूँ कोई इश्यू होता है तो अगली क्लास में कंटिन्यू करता हूँ आज भी वही दिन है तो यहां पर सर सब पहले गए उमाशंकर जिन्होंने सर यहाँ पे ऑप्शन दिया आंसर नंबर सी राइट सो यहाँ पे गुरुदेव जो आंसर था डेट वॉज वट अब बी पे लॉक कर दीजिए हैं सो so, यहाँ पे जनता जाना जितने लोग बी पे ताल लगवा रहे थे ऑल ऑल्वा करेक्ट एक सेकेंड बस ना जरा मैं यहाँ पे चार्जिंग वाले पार्ट पर लगा दूँ उसे ओके okay. तो गुरु जी यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आ रहे थे तो उमाशंकर अच्छा उमाशंकर हमारे सी के साथ जा रहे थे कूल सो so, यहाँ पे सुबीर बाबा हमारे बी के साथ थे संदीप बी के साथ थे सुमांता विद बी

आकाश मनीष आ प्रशांत सतेंद्र शुभांकर देन वी हैव अगेन सचिन देन नवनीत और पल्लव बाबा तो जितने भी लोग यहाँ पे बी वाले थे दे ऑल ऑलवा करेक्ट अब मैं इमेज दिखाता हूँ सर ये देखो ये है वर्नियर कैली अब वर्नियर कैली सर यहाँ पर ये जो पार्ट देख रहे हैं हम लोग क्या करते हैं इसी जगह अपना जो भी पर्टिकुलर सब पार्ट है जिसका हम लोग को डायमीटर रेडियस ये सब निकालना है तो हम लोग कहाँ रहेंगे सर यहीं पर लगेंगे अब यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सर दिस इज रिटेनर

सो वट विल बी दी आंसर जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं है फटाफट फड़ से कर दो भाई दो लाइक्स करवाओ पहले तो चार लाइक कम है दो सो इज द लॉस ऑफ वॉटर इन नोन नोनेस अब सर देखो ऐसा होता है किसी भी पत्ती की बात कर लें पत्ती में से क्या होगा धीरे धीरे पानी का लॉस होना शुरू होता है अब सर क्यों सर सिंपल सी बात टेम्परेचर इज द फैक्टर अब सर यहां पे सनलाइट है राइट क्या हुआ पत्तियों से पानी का लॉस होना स्टार्ट हुआ अब ये जब पत्तियों का लॉस से पानी का लॉस होना स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सर ये ये एक्चुअली क्या है ये है के प्रोसेस अब पत्तियों से जब पानी का लॉस हो रहा है तो अब क्या होगा प्रेशर क्रिएट हो गया अब यहां तो डिफरेंस है जिसके कारण बेसिकली हम लोग कहते हैं ना रूट से सर पानी की तरफ नीचे से ऊपर की तरफ सक किया जाएगा और ये ऊपर भेज दिया जाएगा तो इस तरीके से सर प्लांट्स के पास पानी बना रहता है लेकिन जरा सोचो कि जमीन में अगर पानी की कमी हो तो क्या होगा तो सर जो डेजर्ट वाले एरिया रहते हैं रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो रेगिस्तान में सब लोग याद रखिएगा वहां पे जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी पतली पतली होती हैं कांटेदार होती हैं अगर मैं कांटेदार पत्तियों की बात करूं डेट इज वो बिल्कुल स्पाइन जैसी होंगी बिल्कुल छोटा सा इसका फायदा क्या इससे फायदा यह है सर यहां पर देखो इट वॉज है सरफेस एरिया सो मोर द एरिया इज सरफेस एरिया ज्यादा तो मोर इज द लॉस ऑफ वाटर सर सरफेस एरिया कम तो लेस इज लॉस ऑफ वाटर तो इसीलिए सर इज मॉडिफिकेशन दी प्लेट जिससे क्या होगा कम वाटर का लॉस होगा खैर सो दिस प्रोसेस इज दिसन एक तो ये हो गया दूसरा और पेपर में पूछ लेता है अगर मैं पत्तियों की की एजेस एजेस बात करूं तो के पास सर यहां पर कुछ ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं कई बार हमने देखा है तो हमने ब्लीडिंग से रिलेट करने की कोशिश करते हैं सो व्हाट इज दिस प्रोसेस दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज याद रखिएगा ये जो प्रोसेस है सर इसको बोलते हैं गटेशन

अब देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर एस पी तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं सर यहाँ पे टू एस के साथ जाऊं अब ऊपर क्या आएगा जरा सोचो अब हमसे पूछा था सेकेंड पीरियड की सो यहाँ पर याद रखेंगे क्या कुछ लोग यहाँ थ्री के साथ थ्री थ्री थ्री, थ्री यानी कि टू एस ऑर्बिटल सेकेंड इलेक्ट्रॉन नहीं सर यहाँ पे हम लोग बात करें जब आपका तीसरा इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा किसमें में टू एस ऑर्बिटल में सो वेन दी थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर्स दी टू एस ऑर्बिटल सो सेकंड पीरियड कब स्टार्ट होगा सर क्योंकि हम लोग जानते हैं एस के बारे में क्या आता है यहाँ पे दो तो सर जब यहां पर तीसरा एंटर करेगा तब जाके सर आगे बढ़ेंगे तो यहां पे गुरुजी जितने भी लोग डी के साथ जा रहे हैं डेट इज वेन दी थर्ड इलेक्ट्रॉन एंटर सो यहां पर क्या होगा सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाएगा सो गुरुदेव द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी तो जितने भी लोग डी के साथ जा रहे हैं यू ऑल आर करेक्ट नेक्स्ट अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड करेक्टली मिस्ड अब सर विटामिन वाले पार्ट से बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है तो ये सर मैंने आपको ट्रिक्स बिल्कुल रटा दी हैं ट्रिक्स में गलती मत करेगा सो so, यस yes, बिल्कुल सही सोनू बाबा सो so, यहां पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे है ना? तो मुझे साफ साफ देख रहा है कि कहां पर एंट्री होगी दूसरे के बाद ही था, चलो सो ट्रू 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 बिल्कुल तो आप सर यहां पे करेंग, 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 विटामिन ए। सर आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी ट्रिक रिवाइज भी करा देता हूं सर ये देखो ए बी सी डी और ये सर आपके विटामिन सही? सर इसकी ट्रिक थी रथ एक टॉफी ये क्या थे सर इसके केमिकल नेम से बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप ध्यान से सुनिएगा जब हम लोग रथ एक टॉफी की बात करते हैं सो व्हाट इज इट सर रथ स्टैंड फॉर रेटिनॉल थर्स स्टैंड फॉर थायमीन ए स्टैंड फॉर एस्कॉर्बिक एसिड थर्स स्टैंड फॉर कैल्सी टू टो तो स्टैंड फॉर टोकोफेरॉल एंड फॉर्ट स्टैंड फॉर पायलो ठीक है सर ये केमिकल नेम्स एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं तो ट्रिक बताना जरूरी था लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई अब सर यहां पे बिल्कुल सही जा रहे हैं अब सर ये तो हो गए सर इसके केमिकल नेम्स व्हाट इफ आई टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर सर सोर्सेस तो सोर्सेस में याद रखना विटामिन ए नाम देखो रेटिनॉल इसका मतलब किसकी बात कर रहा है रेटिना डेट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आर आई अब सर मेरी आंखों को अगर समस्या है तो मैं क्या करूंगा मैं सर गाजर खा लूंगा मैं सर यहां पर क्या कर सकता हूं मैं पालक खा सकता हूं सर मैं यहां पे गोल्डन राइस का एग्जांपल ले सकता हूं तो ये सब विटामिन ए के हैं तो यहां पे सर सीधे सीधे दिख रहा है कि ये तो सर सरासर गलत है राइट right? सो so, गलत है और हमसे सर यहां पूछा कौन सा करेक्टली कैक्टिवेज है विटामिन बी सर लेमन नहीं भाई साहब जो लेमन है ये किस में आता है सर खट्टे फलों में सो फल फल टॉक खट्टे तो अगेन बी वुड बी रॉन्ग सो so, यहां पे सर अब आते हैं सर विटामिन ए पर लेम का लेवर टोगरूजी किस में फेल होगा मैं समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं सो so, गुरु जी इसका मतलब मुझे ये ये ऑप्शन तो साफ साफ गलत दिख रहे हैं अब मान लो कि मुझे का लेबर का आइडिया नहीं है बिल्कुल नहीं आ दिया मैं मान लो भोंदू हूं अगर मैं भोंदू हूँ मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूं मैं क्या करूँगा इसमें एलिमिनेशन वाला पार्ट यूज करूंगा याद रखना पेपर में आप एलिमिनेशन के साथ भी जाएंगे अब सर विटामिन सी का मुझे पता है कि इसमें आपके कौन से फल आते हैं खट्टे फल दैट इज वी टॉक अबाउट सार फ्रूट्स अब सार फ्रूट्स में सर टॉक अबाउट फिल ग्रीन वेजिटेबल्स यहाँ पे सर आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, डेट इज लाइम देन वी हैव लेमन देन वी कैन टॉक अबाउट लाइम हो गया लेमन हो गया अबाउट आंवला सो ये आपके मेन सोर्सेज हैं, सो यहाँ पे याद रखिएगा हमसे पूछा कौन सा करेक्टली मेज है सर यहाँ पे कोड लेवर ऑयल की बात कर लें लेम के लेवर की बात कर लें सर दे ऑल विल बी करेक्ट सो येस हेर द करेक्ट आंसर टूअर ऑप्शन नंबर सी दैट इज लैम लेवर ओके सो यहां पर सर दिस इजन अब सर एक इंपॉर्टेंट चीज और ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा अब सर हमसे अगर ये पूछ ले कि इनकी कमी से होने वाली समस्याएं कौन सी हैं तो सर उस वाले पार्ट पे भी जरा आ जाते हैं तो ए बी सी डी ई और के सर इसी क्लास में हम लोग ऑलमोस्ट जितने हो सकते हैं हैं उतने ट्रिक्स भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होगा किसमें क्या होगा तो ऐसे याद रखना एक सर है बड़े हैसम से सर है सुबह से लेकर शाम तक लेक्चर लेते हैं भाई साहब एनर्जी का लेवल आए है क्या एनर्जी का लेवल है सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी रहती है सुपर फास्ट मूड में तगड़ी वाली सो गुरु जी उन सर का नाम है रवि रवि सर नहीं थकते सो वट इज एट रवि सर नहीं थकते तो अब ये सब ट्रिक क्या बताती है ये बताती है कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगी र से बेटा हो जाएगी रतौंधी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ब्लाइंड सेकंड से याद रखेंगे बेटू क्या बैरी बैरी सर से याद रखेंगे स्कर्वी सर एक ही क्वेश्चन में आपके ना ऐसे मान लीजिए सात से आठ क्वेश्चन यहां पर कवरअप हो जा रहे हैं र से सर रिकेट्स न से नपुंसकता या फिर स्टेरिलिटी और थक से रक्त का थक्का जमना या फिर देरी से जमना राइट right? सो so, गुरु जी ये हो गए इसकी कमी से होने वाली समस्या फर्मेंटेशन इन ब्राइन और इमर्शन इन विनेगर सो वॉट वुड बी द करेक्ट आंसर तो अच्छा अच्छा प्लीज अनुज बाबा दवाई ले लीजिएगा ना ठीक है सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर सवाल पूछ रहे हैं कि सर हम लोग जब खाने के प्रिजर्वेशन की बात करते हैं कौन सा सर आपका अनएरो फर्मेंटेशन इन ब्राइन सो यू हैव टू टेल मी सर यहां पर ये पर्टिकुलर प्रोसेस कहलाएगी क्या तो जल्दी से फटाफट फड़। जुनेद इकबाल मैं बढ़िया उमैद बाबा आप बताओ सो गुरु देखो आप यहां पर ना ये मैंने पहले भी बोला था इमर्शन इन विनेगर सर हम लोग जब अचार डालते हैं अचार आम का डाल लो सर नींबू का अचार डाल लो तो हम लोग क्या करते हैं सिरका का इस्तेमाल करते हैं किसका सिरका का जब मैं सिरका का इस्तेमाल करता हूं किस में अचार डालने में तो ये मैंने पहले भी ट्रिक बताई थी आज मैं फिर से रिपीट कर देता हूं पिकल से आप याद कर लेंगे क्या पिकलिंग

टल न्यूट्रिशन कैन भी डिफेंड सो वॉट इज पेरेंटल न्यूट्रिशन नेक्स्ट अगला सवाल फटाफट से सो वॉट इज पेरेंटल न्यूट्रिशन रिमूवल ऑफ एक्स फूड बायजेस इनफ्यूजिंग ए स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ फूड थ्रू वेन सर इन्फ्यूजिंग स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ फूड थ्रू ओरल रूट इनटेक ऑफ ग्लूकोज एंड सोल्ट थ्रू ओरल रूट नॉट जस्ट थिंक कई बार क्या होता है सर कोई बीमार पड़ जाए अब बीमार पड़ गए तो सर वहाँ पे ना हम नेचुरली नॉर्मली देखें तो अभी ना डॉक्टर क्या करता है आपको खाना ऐसे नहीं खाएगा कि आप डायरेक्टली खा लो क्या करेंगे सर बॉटल्स के फॉर्म में आपके क्या हो जाता है दवाइयाँ चढ़ रही होती हैं तो यहाँ पे डॉक्टर कहता है कि अभी ना दो दिन तक ये कुछ नहीं खाएंगे या फिर पानी पानी भी आप थोड़ा थोड़ा करके दीजिएगा बहुत कॉमन है ये सब लोगों ने देखा है सो इफ आई टॉक अबाउट दिस राइट सो गुरुजी जी धर्मराधर पिट्टू करेंगे अचार डालेंगे सो गुरु जी यहाँ पर देखो

सो so, ये एंजियोस्पर्म वाला पार्ट तब तक मैं एक सेकंड लगेगा आपका आंसर दो तो व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर एंजियोस्पर्म के लिए कुछ खास बात तो जब तक आप लोग आंसर दे रहे हैं मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं ये देखो तो जो एंजियोस्पर्म वाला पार्ट होता है ना ये एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हमने दो चीजों देखी थी में क्या होता था जिम्नो में होती थी नेकेड सीड राइट क्या होती थी नेकेड सीड जहां पे हम लोग गिंको या फिर पाइनस की बात करते थे मतलब इसका जो फ्रूट रहता था ना फ्रूट के बाहर मतलब फ्रूट वाले पार्ट वहां पर हो गए ही नहीं सीड बाहर मिलेगी लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है सर ये फ्रूट के, के अंदर सीड मिलती है यानी सीड ये कवर्ड रहती है अब जिसके जो सीड होगी वो अंदर होगी डेट्स राइट अब सर मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है क्या मेरे एंजियोस्पर्म सीडलेस प्लांट है नहीं भाई साहब ऐसा तो नहीं है क्योंकि जैसे एप्पल किसी का भी एग्जाम्पल हो टमाटर का एग्जाम्पल हो इनके अंदर सीड प्रेजेंट है सो so, यहाँ पे हमसे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अब आप लोग अगर सी के साथ जाओगे भाई साहब यहाँ पे देखो तो लिखा है एनजीओ स्पमिजा सीडलेस प्लांट कैसे कह सकते हो सीडलेस है भाई साहब आप ही तो कह रहे हो कि फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट है तो सीडलेस कैसे होगा गलत बात नो सी फॉर चार चीज नॉट करेक्ट भाई अब आंसर चेंज करो जल्दी से ओके सो व्हाट वुड बी द आंसर सर यहां पर याद रखिएगा इट ज दार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप इन द किंगडम प्लान्टे अब प्लान्टे की बात कर लें अपने आसपास भी नजर घुमाओगे ना सर मैक्सिम पेड़ भी आसपास जो दिख रहे होंगे सर उनमें सीड अंदर की तरफ होगी तो इसलिए जो सही आंसर होगा वो सर होगा कौन सा ऑप्शन नंबर डी राइट यस डिफरेंट है बिटा यहां पर चलो सो यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी अगला सवाल च फाइलम ऑफ द किंगडम एनिमिला एग्जिस्ट एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन एंड हैज मेंटल और मास ऑफ सॉफ्ट फ्लेश डेट एनवल दी सॉफ्ट बॉडी एंड सराउंड इंटरनल ऑर्गन सर टेनोफोरा मॉलस्का बॉरीफेरा या फिर कॉलेटरेटा सो वॉट इज गोइंग टू बी द करेट आंसर डी फॉर दीप मनी राइट बेटा एनजीओस पर हम क्या होते हैं कभी पूछ रहे हैं सर एनजियो पर हम क्या होते हैं बेटा एनजीओस ऐसा होता है कि प्लान्स की हम बात करें तो प्लान्स की अलग अलग कैटेगरीज हो गई है हाँ ना जैसे एनिमल किंगडम अलग अलग पार्ट्स में वैसे हम प्लांट्स की बात करें तो वहां पे क्या कहता है ब्रायोफाइट्स दैट इज सर आपके ऐसे प्लांट्स जो एम्फीबियन की कैटेगरी में आते हैं अब आप कहेंगे एम्फीबियन सर जो वाटर और आ, बात कर रहे हैं अगर वाटर और लैंड दोनों की लोकेशन पर सर्वाइव कर रहे हैं कैसे जमीन पर रहें लेकिन वाटर चाहिए इसके लिए सेक्शुल रिपोडक्शन के लिए तो वहां पर हम जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दो कैटेरी होती है इंजोस्टम और जिम्नोस्टम तो इज नेकेड सीड इंजोस्टम जिसमें सीड कवर रहती है लाइक एप्पल टोमेटो एंड ऑल

अब आर्थ्रोपोडा में क्या होता है गुरुदेव आर्थ्रोपोडा में सर आपका कीट वर्ग आ जाता है जिसमें आपके कीड़े आ जाते हैं इंसेक्ट्स आ जाते हैं, हैं। जिसकी होती सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी अगला सवाल मॉलस का डन नेक्स्ट सर वॉट इज रेमेंट ए लिंडमेन वेल नोन फॉर डूंगी टू अब ये अगर जो सी वाले बच्चे हैं कल आप लोग सी बैच में जब पढ़े थे तो मैंने कल आपको इकोलॉजी जब स्टार्ट किया था तो सर यहां पे सीधे सीधे उनका नाम बताया था ईयर मैंने बोला था याद मत करना बट ये वाला पार्ट हम लोग कल ही डिस्कस किए हैं सो यस यहां पे सर मुझे फटाफट बताएंगे ये जो लिंडमैन है ही इज वेल नोन फॉर डूइंग वॉट सर वर्किंग ऑन इको सिस्टम इकोलॉजी स्टडिंग इकोलॉजिकल सक्सेसन क्वनिंग दम इकोलॉजी या फिर पाइनरिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्रॉफिक डायनामिक्स इन इकोलॉजी सो वॉट विल बी देंसर So, कुलदीप प्रणाम बिटू सो so, जल्दी फटाफट वॉट वुड बी दी आंसर लेंडमैन तो यहां पे सर गौरव जा रहे हैं बी के साथ शक्न अकेली डी के साथ जा रहे हैं बाकी लोग बी सी डी के साथ जो अलग अलग लोग जा रहे हैं जनता जनार्दन यहां पे सभी लोग याद रखेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर डी लग नहीं रहा बेटा डी ही सही है तो so, योगेश राव जितने भी कैंडिडेट यहां पे डी वाले हैं एक, एक कैंडिडेट सही है ही एक्चुअली पाइन दी कंसेप्ट ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन इकोलॉजी सो दैट इज ट्रॉफिक डायनेमिक्स इन इकोलॉजी तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट अगला सवाल अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिड अब सर ये जो सवाल है ना ये सवाल घुमा फिरा के बहुत पूछता है मैं आपको इसका हिंट देता हूं अगर आप लोगों से सर यहां पर पूछे लाइक like, सर मान लो कि मैं आपसे एग्जाम्पल लेता हूं सिरका का जो हम डिस्कस कर रहे थे विनेगर विनेगर सर आप अभी इसका आंसर मत देना मुझे बस ये आंसर दो कि विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है एक बार जल्दी से सो जनता जाता फटाफट सर विनेगर में पूछ रहा हूं सर विनेगर में आपको कौन सा एसिड मिलेगा विनेगर में आंसर मत देना अभी प्लीज जहां जो समझाना चाहता हूं उस पर जरा आते हैं विनेगर में कौन सा एसिड है सर देखो यहां पर याद रखना ये जो हम लोग फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं ये लाल चीटियों में रेड आंट्स राइट बीज स्कॉर्पियन इन सभी में हमको फॉर्मिक एसिड मिलता है बट इफ आई टॉक अबाउट दिस इथेनोक एसिड सर यहां पे सरका की हम बात करते हैं तो ये है एसिडिक एसिड अब कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है हम लोगों से ना सीधे सीधे क्या पूछेगा कि सर यहाँ पर ना अचार में कौन सा पेट्रोल एसिड है और हम लोग सर यहां पर हम लोग फंस जाते हैं कैसे कि सर हम लोगों को ना यहाँ पे आई नेम्स में डाउट होता है तो अगर आप लोग यहाँ पे आई यू नेम्स याद रखेंगे तो सर आपका आंसर भी सही हो जाएगा तो यहाँ पे गुरु जो करेक्ट आंसर है डेट इज वॉट यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी और एसिडिक एसिड राइट सो ये चीज आपको भूलनी नहीं है आई गेस इज क्लियर सो गुरु जी इथेनिक एसिड इसी को आप एसिडिक एसिड acid कहते हैं क्या हो जाएगा सी एच थ्री सीओ एच जबकि फॉर्मिक अमल था सो प्लीज याद रखना आप जल्दी जल्दी में जो एसिड इज इज रॉन्ग द करेक्ट आंसर एसिड जो आपका यहां पे सिरका में प्रेजेंट था करेक्ट चलो सो दिस इज नेक्स्ट सो ये कौन से ग्रुप में आता है तो अगर मैं इसकी बात करूं ये आपका आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड uh, कार्बोक्सिलिक ग्रुप चलो सो दिस इज अगला सवाल सर विच ऑफ द फॉलोइंग फायलेंस रिप्रेजेंट दी ट्रिपलो प्लास्टिक एनिमल्स अब भाई साहब ये ट्रिपलो प्लास्टिक का क्या लॉजिक है ये समझेंगे पहले इसका आंसर दो ये ट्रिपलो प्लास्टिक आज हम लोग सर कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं ये भख्तियार खिलजी यहाँ पर कहाँ से आए भाई भख्तियार खिलजी यहाँ पे क्यों याद आ रहे हैं विनीत बाबा मुझे ऐसा लग अच्छा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं विनीत कैन यू प्लीज रिफ्रेश क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप ना थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है वही ना कमेंट्स शायद थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं चलो कोई नहीं सो so, यहां पे सर फटाफट क्या आंसर होना चाहिए वेटिंग फॉर द आंसर सो यहां पे ए बी सी सारे के सारे ऑप्शन आ गए तो मैक्सिमम लोग जो जा रहे हैं सी के साथ चलो अब सर यहां पे देखते हैं सर ये जो ट्रिपलो प्लास्टिक एनिमल्स हैं इसमें आपके आ जाएंगे प्लेटी हेलमेंथस एक्नो डर कॉर्डेटा अब यू मस्ट बी वंडरिंग सर ये जो खतरनाक खतरनाक से टाइम लग रहे हैं पहले मुझे समझ में तो ये है, है क्या तो यहां पे सर पर नाम देख रहे हो उसमें से मैं सबसे आसान समझाता हूं ये कॉर्डेट्स सर कॉर्डेट्स एक्चुअली ये वो जीव होते हैं जिनके पीछे रॉड जैसी संरचना होती है राइट right? हम लोग कौन है हम लोग हैं सर मेमल्स यानी स्थनदारी जीव तो हम लोग किस में आएंगे सर जो मेमल्स हैं स्थनदारी जीव तो सर ये दो कैटेगरी में आ सकते हैं क्योंकि एनिमल किंगडम जो है वो मेन दो पार्ट में क्लैसीफाई हो जाता है एक कॉर्डेट्स एक नॉन कॉर्डेट्स कॉर्डेट्स वो हैं जिनके पास रॉड जैसी संरचना है जैसे हमारे डॉर्सल एंड पर डॉसल का मतलब पीछे वाले बाकी बात कर रहे हैं हमारी पीठ के पीछे ना एक रीड जैसी हड्डी का स्ट्रक्चर है वो क्या है वो नोटो कॉर्डी है तो सर ये कॉर्डेटा में कौन आ जाते हैं सर यहाँ पे वो सभी जीव आ जाएंगे जहां पे हम लोग बात कर रॉड जैसी संरचना नौ अब सर यहाँ पे आ, थोड़ा नहीं सर बहुत हाँ अच्छा वो क्वेश्चन अब मुझे तो नहीं पता मैम ने कब पढ़ा था मुझे लगा था लास्ट क्वेश्चन वही होगा सो गुरु जी यहाँ पर जो आपका आंसर दिख रहा है द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी डी राइट अब ये सर टेप्लोप्लास्टिक एनिमल्स एक्चुअली क्रिएट एंड एंडोडर्म एक्टोडर्म और मैसोडर्म तो ये आपके तीन जर्म लेयर जनरेट करते हैं थ्री जर्म ले क्रिएट कर रहे हैं अब क्योंकि तीन लेयर्स हैं तो यहां पे सर इसलिए कहलाएंगे ट्रिपलो ब्लास्टिक अब ये तीन जर्म लेयर हैं कौन कौन सी मैं फिर से लिख देता हूं एंडोडर्म एक्टोडर्म और मैसोडर्म तो एंडोडर्म एंडोडर्म एंडर्म विल टॉक अबाउट मैसोडर्म राइट सो एंडोडर्म हो गया Mesoderm हो गया और आपका तीसरा हो गया एक्टोडर्म तो यहां पर so, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं सो so, एक्टोडर्म में यस yes, बिल्कुल सही ट्रू सो so, मेरू रज्जू यहां पे हम कशेरुखी की बात करें हम लोग कशियरुखी हैं बिल्कुल सही सो so, इसका आंसर दो फटाफट आंसर क्या होगा <coughs> प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं अब मैं आपको थोड़ी सी अटपटी बात बताता हूं हम लोग सोचते हैं कि ना भाई साहब बहुत खतरनाक होते होंगे राइट अब जरा सोचो मैं दही की बात करता हूं कर्ड की अब यहां पे सर जो बैक्टीरिया है क्या ये बैक्टीरिया हमारे लिए खतरनाक होगा अगर ये घातक साबित होता तो हम लोग कभी भी दही नहीं खाते राइट सो यहाँ पे बबलू इट डिपेंड्स कि ना हमारा शिफ्ट कौन सा तो हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ध्यान सुनना तो बेटा प्रोबायोटिक्स एक्चुअली है क्या ये इतना हम क्वेश्चन एक्चुअली पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो सर कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हैं जैसे कि मैंने आपको दही का एग्जाम्पल लिया राइट लेकिन अब मान लो कि यहीं पर आ जाए माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉस सर खुल खुल करते हुए जीवन कट जाएगा तो सर बैक्टीरियाज भी दो कैटेगरी के हो गए एक अच्छे एक बुरे तो जो ह्यूमन हेल्थ हेल्थ हैबिट्स की बात करें या फिर ह्यूमन हेल्थ की बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गन हमारे लिए बेनिफिशियल है यहाँ पे हम लोग टर्म यूज़ करते हैं प्रोबायोटिक्स तो प्रोबायोटिक्स क्या हो गए सो दे आर डिफाइंड एज लाइव माइक्रो दैट आर इंटेंडेड टू हैव हेल्थ बेनिफिट्स व्हेन कंज्यूम्ड और अपलाई टू द बॉडी सो यस दे आर हेल्पफुल तो गुरुजी याद रहेगा ना ये प्लीज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट लैक्टोबैसिलस ट्रू नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन अब सर यहां पे एक ट्रिक आ, कल आपने अच्छा कल आपके ने डिफेंस वाले बैच में डिस्कस की थी हमेशा याद रखना सर जब भी हम लोग एटॉमिक नंबर की बात करें किसकी एटॉमिक नंबर की तो एटमिक नंबर का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ट्वाइस होता है मास नंबर क्योंकि मास नंबर सबका रटना पॉसिबल नहीं है अरे बिल्कुल आपका सबका सही आंसर आ जाएगा ये आपका कहीं ना कहीं मास नंबर बता देगा तो अब सर इस ट्रिक से आप लोग याद कर ट्रिक नहीं है, बेसिक है। so, गुरु गुरुजी अगर नाइट्रोजन की बात करें तो हम लोग जानते हैं देखो हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आया सातवें पे सात दुनी चौदह दैट मीनस की अगर नाइट्रोजन की बात करें तो गुरुजी इसका एटॉमिक नंबर तो सात है बट इफ आई टॉक अबाउट इट्स मास नंबर सो इट्स मास नंबर वुड बी फोर्टीन सो आई गेस दैट इज ऑल्सो क्लियर क्या कह रहे हैं धर्मराज ठीक है सो so गुरु जी जनता जनार्तन हो गया फोर्टीन वुड बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अगला सवाल है और ये एक्चुअली तीसरी शिफ्ट के सवाल आ रहे हैं ठीक है अभी हम दूसरी शिफ्ट के देख रहे थे 2022 के अब ये तीसरी शिफ्ट के सवाल चल रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है तो कोई क्लास कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना नेक्स्ट इज विच इज दी स्टेप्टोकोकल स्पीसीज वाइडली यूज इन फूड फर्मेंटेशन स्पेशली फॉर तो येस योगट मैनुफेक्चरिंग में सर हम जो फर्मेंटेशन की बात करते हैं तो आप मुझे बताइएगा सर इसमें से कौन सी स्पेक्टोकोकल स्पीसीज uh, का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सो वट वुड वि आंसर यस ट्रू सो वट वुड वि आंसर सोनू बाबा कह रहे हैं ठीक है सो वॉट इज दिच इज ओनली स्ट्रेप्टोकोकल स्पीसीज वाइडली यूज इन फूड फॉर्मेंटेशन स्पेशली फॉर दोग सो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस थर्मोफाइलस वेडेंस या फिर एगलाइसडे सो -like so यहां पे सर धर्मराज कह रहे हैं सब में नहीं होता मैंने वही फिर से मैं रिपीट करता हूं सब में नहीं होता मैं फिर से धर्मराज वही बोल रहा हूं कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने टर्म इसलिए यूज़ किया क्योंकि सबका याद करना पॉसिबल नहीं था अब मान लो कि अगर धोखा लगा रहे हैं सो यू कैन गो इंटू टू सो आप मैक्सम केस में जाएंगे तो आपका सर वहां पर आप टू से मल्टीप्लाई करके मत बैठ जाना कि भाई साहब सब में दुखला होगा नहीं इसीलिए मैंने ऑलमोस्ट जो टर्म है सर उसका मतलब सर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब में

एंड आर एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म में है सर राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है एंड आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म स्टेरॉयड हारमोन सर लाइजोजोम स्मूद एंडोप्लाजम वैक्यूल्स या फिर साइटोसोल सो वॉट वुड भी दंसर सो मेरे सारे फेवरेट स्टूडेंट हैं बेटू चलो सर इसका आंसर क्या होगा अब अगर आप लोग भूल चुके हैं तो मैं आपको जरा याद दिला दूं प्यारे प्रिय बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है सर ये ये सेल का वो पार्ट है गुरुदेव जहां पर लिपिड और प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है किसका लिपिड और प्रोटीन का प्रोडक्शन अब जो ये लिपिड और प्रोटीन का प्रोडक्शन हो रहा है सर यहां पर हम लोग कहते हैं कि ये आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है एक स्मूद वाला पार्ट और एक रफ वाला पार्ट सर so, इसका जो रफ वाला पार्ट है ये पेपर में कई बार पूछा गया जो आर से रफ आर से राइबोजोम तो रफ वाले पार्ट पर सर आपका राइबोजोम प्रेजेंट होता है कहां पर सर आर से रफ और आर से राइबोजोम सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपका राइबोसोम प्रेजेंट होता है बट स्मूथ वाले पार्ट पर राइबोसोम एब्सेंट होता है राइबोसोम इज नॉट प्रेजेंट इट इज एब्सेंट

सो चलो सो दिस इज नेक्स्ट अगला सवाल है गुरुजीत ये आ जाओ चाचा यस विच आर मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोगैस सर पॉल्यूटिंग सोर्स सो आ जाओ सर अभी बायोगैस कहां से किस चीज का इस्तेमाल करते हो सर इसके प्रोडक्शन में तो हम लोग सर के कैटल्स की बात कर लेंगे यहां पे राइट अब कैटल से हम लोग किसके साथ जा सकते हैं सर यहाँ पे काव डंग के साथ चले जाओ राइट यहाँ पे बफेलो के डंग की बात कर लो कुल मे डंग से बन रहे अब यहां पे सर मेजर कंपोनेंट कौन सा है तो यहां पे गुरुदेव जो चार ऑप्शंस देख रहे हैं यहां पे मैं उन ऑप्शंस की बात नहीं करूंगा पेपर को थोड़ा सा टिपिकल बनाता हूं तो यहां पे सर आपसे पूछ सकता है फील्ड गैस नंबर टू मार्श गैस नंबर थ्री पेडी गैस है ना सर आपसे ग्रीन हाउस और जाने क्या क्या किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है तो सर फील्ड गैस मार्श गैस पेडी गैस ये सब क्या है गुरुदेव ये सारे के सारे आपके मीथेन है सो so, गुरुदेव द करेक्ट आंसर वुड बी सी एच फोर मीथेन लेकिन अब सर मैं इतने पे रुकूंगा नहीं क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैं पोस्टमार्टम करते हुए चलूंगा हाँ थोड़ा फास्ट जाऊंगा बट पोस्टमार्टम करूंगा तो जस्ट वॉन्ट टू नो सर यह सेचुरेटेड है या सर ये अनसेचुरेटेड है क्योंकि पेपर में सर यही सब चीजें आपको फंसाएंगी और मैं नहीं चाहता आप पेपर में कहीं फसें तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है सर प्लीज आंसर दीजिएगा सी एच फोर इज वॉट इज इट सैचुरटेड और इज इट सो अनसेड विंक नहीं अजर एग्जैक्ट कॉपी वाला पार्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन हाउस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिल जाते हैं हेलो दिक्कत परेशानी सर अब यहां पर याद रखिएगा ये जो सी एच फोर है सर इसमें हो क्या रहा है इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड दैट मींस जब भी आपसे एल्केन की बात होगी सर ये एल्केन इज ऑलवेज यह एल्केन हमेशा एल्केचेड होता है अगर आप की बात करें बिल्कुल सही कह रहे हो सूरज एब्सोल्युटली करेक्ट अनसेड की बात करो सर यहां पर आप लोग एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे क्योंकि सर ये आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स वाले हैं सिंपल तो यहां तक मेरी गल सबको क्लियर हुआ जनता मतलब

आई एम नॉट डीलिंग विद डेट वह नहीं एग्जाम में बस एक पूछ लिया सो so, साइंस वाले सेक्शन से नहीं है फिर से रिपीट कर दो बस मुझे लव देखा तो मैंने सोचा सर भाई वाले पार्ट से लेट कर लेते हैं तो इसको मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा अगर आपसे दोबारा से, से क्वेश्चन आए तो अगर आप भूल जाओ तो सर श्रृंगार है ना नो so, हम लोग यहाँ पर सीधे सीधे कहेंगे आप हम लोग वाइफ की बात कर लें या फिर हम लोग मेयर डिपार्टमेंट पे आ जाए तो सर वहाँ पर श्रृंगार इज़ डन फॉर एक्चुअली फॉर मैन दैट इज फॉर अर हसबेंड राइट सो वहीं से प्रेम की भावना है कि अरे भाई साहब आज तो बहुत अच्छी लग रही है लव यू यार सो so, गुरुजी जी यहाँ पर श्रृंगार ऐसे याद कर ले खैर अपने पढ़े वापस आते हैं जरा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि अपना मैराथन है बाकी किसी और डिटेल में जाएंगे चलो नेक्स्ट सो so, अगला सवाल है सर डेफिशंसी ऑफ विच विटामिन कैन कॉज द स्किन डिसऑर्डर सर हाइपर एमिया डेट इज द एक्सेस ऑफ ब्लड देखो हाइपर का मतलब क्या होता है एक्सेस एंड स्वेलिंग ऑफ द माउथ एंड थ्रोट साथ में एंगुलर दैट इज सोर्स ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ एंड हेयर लॉस सो गुरु जी ये हम लोगों ने समझी थी थ्री डी बीमारी याद आ रहा है जहां पे हम बोलते जीभ में सूजन गाल में कई बार बोला कि सर अपने कट से बन जाते हैं सो so, बेसिकली जो घाव हो जाते हैं मुंह के कोनों में तो ये किसके कारण होता है सर ये सब चीजें सी के कारण तो नहीं होंगी क्योंकि सी के कारण मुझे पता है इससे होती है स्कर् मैं फिर से रिपीट करता हूँ अगर मुझे इसका आंसर नहीं आता है सो so, गुरु जी हम लोग क्या करते हैं एलिमिनेशन वाले पार्ट पे चल सकते हैं मान लो कि मुझे नहीं आता इस मैं तो भोंदू भांधू ठीक है अब मैं अगर भोंदू तो मैं क्या करूंगा सर मुझे इतना तो पता है लेकिन मैं सर साथ में इंजीनियर भी हूं अब इंजीनियर तो भोंदू हो नहीं सकते क्योंकि इंजीनियर का दिमाग है तो हम लोग दिमाग कहां लगाएंगे ऑप्शन तो पे मुझे पता है विटामिन सी की कमी से होती है इस पर भी जहाँ पे मसूड़ों से खून आता है कोई लेना देना नहीं हुआ ठीक है इसके बाद आ जाओ सर विटामिन डी इससे क्या होता है हमारी हड्डियों टेढ़ी पड़ जाती हैं रिकेट्स या मलेशिया तो हमारी हड्डियों से संबंधित हो गया मुंह के कौनों से इसका मतलब नहीं है विटामिन ए की बात करें सर हमको दिखाई नहीं देगा या फिर आंखें सूखी हो जाएंगी दैट इज थे या फिर हम लोग यहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर सकते हैं तो यहाँ पे सर विटामिन ए भी नहीं होगा तो मुझे यहाँ पे साफ साफ पता लग गया कि यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए द करेक्ट आंसर वुड भी इंजीनियर्स ऑलराउंडर होते हैं सही गहरे गौरव हम लोग तो सर वहां पे चाहे मूवी की बात कर लो चाहे हम एस्ट्रोनोट वाले पार्ट पे चले जाए तो हम किसी भी वर्ल्ड में चले जाओ हम लोग सब जगह हैं चाहे पढ़ाने वाले पार्ट में चले जाओ सर हम लोग कहीं का कुछ पार्ट नहीं छोड़े हैं तो गुरुदेव साफ साफ पता लग रहा है कि ये ये तो एलिमिनेट हो गए आंसर बचा ऑप्शन नंबर बी अब B2 के बारे में एक चीज और याद रखेंगे हेलो गुड की हाल का जो नाम है है वो क्या सर राइट right? और इसकी कमी से क्या होता है मुंह के कोने में घाव होने लग जाते हैं राइट सर एक्सेस ऑफ ब्लड स्किन तो यही है तो जनता जानते हैं अगला सवाल है गुरुजी ये च प्रोटीन इज नेचुर फाउंड इन सम्रेन इंक्लूडिंग वीट बार्ले एंड रई अब इसका आंसर दो सर वॉट यू थिंक वॉट विल बी दी करेक्ट आंसर और यह बहुत इंपॉर्टेंट है सर फटाफट से मुझे बताना हां यू कैन से आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी बन सकता हूं तो so आप जनता जानते हैं जितने भी लोग यहां पर प्रेजेंट है ना सब लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर दो और सर शेयर कर दो जिससे ना सबके सब ये क्वेश्चन समझ पाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ये जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं सोलह नवंबर दो की तीसरी शिफ्ट के सवाल है सर लेटेस्ट सवाल है तो पता रहें पैटर्न में क्या चल रहा है विच प्रोटीन इज नेचुर फाउंड इन समीन्स इंक्लूडिंग वीट बार्ले एंड राई तो सर वीट बार्ले और राई में सर क्या प्रेजेंट होगा वॉट यू थिंक अरे वाह मतलब दिल जीत ले तो यार सो द करेक्ट आंसर इज ग्लूटन सो है करेक्ट आंसर वुड बी ग्ल्यूटन अगर मैं रेनिन की बात करूं रेनिन का होता है सर बच्चों के पेट में होता है किसमें बच्चों में बच्चों में जो रेन प्रेजेंट है सर किड्स में होगा ये क्या करता है ये सर दूध को दही में बदलता है अब ये जो दूध को दही में बदल रहा है भाई साहब सर इसमें पता क्या होगा बच्चा है मान लो कोई छोटू सा अरे हमारा क्यूट सा बेबी अरे मेरा प्याला प्याला बच्चा अब मान लो कि वो भी दूध पी के बस ही मम्मी से हम लेके आए लाओ इसको हम खिलाएंगे हम यहाँ अब मेला प्याला सा बाबू और मेरा जादू शोना जादू टोना तो मतलब कुल मिला के जो गर्लफ्रेंड वाले जो नाम है ना वो कहीं ना कहीं वे बच्चों से रख देते हैं वहां पे बच्चे को जैसे खिलाया वो दूध पी गया ऐसे पेट गलती से पिट गया आपके ऊपर जो दूध गिरेगा ना वो दूध नहीं गिरेगा वो क्या गिरेगा सर वो गिरेगा दही क्योंकि जो यहाँ पे रेनिन एंजाइम प्रेजेंट है बच्चे के पास वो क्या कर रहा है दूध को दही में बदल देता है दूध में याद रखना सर दूध में प्रोटीन का नाम पूछा गया है ऐसे ऐसे का ही सवाल है दूध में जो प्रोटीन है सर उसका नाम है कैसीन और गुरु जो दही में प्रोटीन है इसका नाम है सो गुरुदेव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सिमिलरली फ आई टॉक अबाउट खातून सबके कमेंट्स आ रहे हैं बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ना हमको ये वाला पार्ट कंप्लीट करना तो जहां जरूरी है मैं ले लेता हूं अब इसके बाद एक और चीज सर ये जो पैसन है सब पी से पी से प्रोटीन, आपके में प्रोटीन का पाचन करा रहे हैं खैर हमसे पूछा था सर बीट बाढ़ और राई में क्या होगा तो ये वो होगा आपके ग्लूटिन तो जितने भी लोग ग्लूटिन के साथ जा रहे हैं एक ही कैंडेट से राइट सो डिसीजन अगले पॉइंट पर चलते हैं अगला सवाल है गुरु ये बेस्ड ऑन दी एविडेंस फ्रॉम सीजमिक वेवस हीट फ्लोज

तो गुरुजी यहां पे सही आंसर है परफेक्ट सो सी ट्रू हर्षुल वर्षा पूजा हिमांशु बाबा जितने भी लोग मेंटल के साथ जा रहे हैं एक ही कैंडिडेट सही है टोटली करेक्ट नेक्स्ट अगला सवाल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा सो विच ईयर वाज डिजाइन बाय यूनेस्को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीरियड टेबल टू मार्क द 150थ एनिवर्सरी ऑफ द मेंडलीफ पीरियड टेबल अब भाई साहब ये मेंडलीफ चाचा को ही क्यों याद कर रहे हैं जबकि जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उनको नाम सर को याद नहीं होता लेकिन मैंडलीव चाचा सबको याद है पता है जो मॉडर्न टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सर मॉडर्न टेबल की खोज किसने की है सर मॉडर्न पीरियडिक टेबल की खोज की हेनरी मोजले ने बस बात यह है कि इनकी मौज आ गई मौज ले इन्होंने मौज कैसे ले ली सर एक्चुअली क्या था सब सारी की सारी मेहनत देखा जाए तो साहब की मैं बहुत अच्छी वाली प्रोडक्ट टेबल बनाई है बट वो फेल कर जाते हैं क्योंकि उनका जो लॉजिक चल रहा था वो एटमिक मास के हिसाब से चल रहा था किसके हिसाब से मास के हिसाब से अब यहां पर होता क्या गुरुदेव ये जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल है सर ये कहीं ना कहीं सर यहीं से आती है बट यहां पर जो लॉजिक लगा रहे हैं सर वो लगता है एटमिक नंबर का राइट खैर तो मैंडलीव साहब ने जो प्रोडक्ट टेबल बनाई तो यहां पर सब लोग जा रहे हैं किसके साथ 2019 के साथ बिल्कुल सही क्योंकि सर क्यों जा रहे हो क्योंकि सिंपल सी बात है अभी पीरियड टेबल कभी ना कभी आई होगी कोई मुझे बताएगा ये पीरियड टेबल बनी कब थी एनी गैसेस तो एक्चुअली वो मॉजले है बस वो मौजिले मैं अपने तरीके से बता देता हूँ सो so, यहाँ पर सर याद ये याद रखिएगा ये वन ईयर कब हो गया सर ये वाला पार्ट आपका जो आंसर होगा वो हुआ दो राइट चलो सो so, डेढ़ साल पूरे हो रहे थे दो में तो यहाँ पर सर, सर बनाया, मनाया गया दूसरा सवाल है आपका हु इज रिमेंबर्ड एज दायनर ऑफ मिटोसिस रिसर्च दाउंडर ऑफ साइटोजेनेटिक्स सो यस माइट माइटोसिस अनुसंधान के अग्रदूत और साइटोजेनेटिक्स के संस्थापक के रूप में किस को याद किया जाता है एवं फ्लैमिंग या फिर वॉट यू थिंक धर्मराज मैनली वॉज दर्स्ट हु बिल्कुल दैट्स राइट सो वॉट वुड बी दैक्ट आंसर यह संजय जा रहे हैं ए के साथ खातून इज विद वर्षा इज गोइंग विद सी हैंनरी के हिसाब से उन्नीस तेरह ओके क्रू ट्रू 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 सो हरिप्रसाद सी के साथ वॉल्टर सी 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 बिल्कुल सही है जितने लोग सी के साथ जा रहे हैं दैट इज़ वॉल्टर फ्लेमिंग सर इन्हीं को हम लोग साइटोजेनेटिक्स के जनक के रूप में जानते हैं दैट इज़ द फाउंडर ऑफ साइटोजेनेटिक्स तो बिल्कुल सही द करेक्ट आंसर वुड बी सी जितने लोग सी के साथ जा रहे हैं एक ही कैंडिडेट सही है टोटली करेक्ट नेक्स्ट भी है सर बीटा कैरेटीन कहाँ प्रेजेंट होगा अदरक में गाजर में प्याज में या फिर आलू में बीटा कैरेटीन अब यहां पे सर अगर आप लोग भूल गए तो मैं जरा हिंट देता हूं सब कुछ भूल जाना थोड़ी देर के लिए सर हम लोग जब विटामिन तो सी पढ़े थे तो सबसे ऊपर मैंशन था सर बीटा कैरोटीन फूड्स कुछ याद आ रहा है सो वॉट वुड बी आंसर बीटा कैरेटीन इज प्रेजेंट इन डैश सो हमारे पास चार ऑप्शन हैं जिंजर किसमें दिक्कत परेशानी अच्छा सो so, गुरुदेव यहां पर जितने भी लोग जा रहे हैं कैरेट्स के साथ डेट इज गाजर ए के कैंडिडेट सही है बिल्कुल सही तो कैरेट वुड बी दी करेक्ट आंसर सो यहाँ पे बीटा कैरेटिन जो है जी सर क्या है एक्चुअली ये आपका एंटी ऑक्सीडेंट है क्या है इट इज एंटी ऑक्सीडेंट सो गुरुदेव यहाँ पे जो सही आंसर है डेट इज गाजर अच्छा गाजर में अगर मैं सोर्सेज की बात करूँ तो विटामिन ए का ये अच्छा सोर्स है डेट इज वॉट कैरेट नेक्स्ट अगला सवाल अगला सवाल है गुरुदेव ये सर सेलेक्ट दी करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम दी गिवन ऑप्शन सर राइजोबियम राइजोबियम इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया राइजोबियम की फिर से बात करें सिम्बायटिक बैक्टीरिया ई इक्वलाइज विद बायोलीचिंग या फिर क्लॉस्ट्रीडियम इज विद सिम्बायटिक बैक्टीरिया सो वॉट इज गोइंग टू दी करेक्ट आंसर इसमें सर इनकरेक्ट नहीं इसमें करेक्ट पूछा है सो so, गा, अच्छा गाजर सब कुछ सबने गाजर की इमेजेस भेज दी सो so, बबीता आफ्टर लॉन्ग टाइम बबीता का के केवल आंसर आता था कमेंट सेक्शन में आज फाइनली प्रेजेंट है यहाँ पे एक बार फटाफट से आंसर दो सर ये आपका इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा राइजोबियम के ज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर सो हेलो मुरारी गुड आफ्टरनून की हाल चाल बेटू सो so, यहाँ पे सब लोग जा रहे हैं सर बी के साथ ओके okay? अब देखो मुझे एक चीज और भी क्लियर हो रही है कि अगर एस एस सी जे में पूछ रहा है और यहाँ पे सर दो चीजें दे रखी है मुझे क्या रायजो भी अगेन राइजोबियम तो यहाँ पे सर पैथोजेनिक और इधर सिम्बायोटिक तो मैं आगे वाले ऑप्शन पे बाद में जाऊंगा मेरे कान यहीं पे खड़े हो जाएंगे भाई साहब इनमें बताओ इनमें कौन सी समस्या है अब ये सर आपका बिहार पुलिस में एक आई डोंट नो इन देखना पड़ेगा क्या इशू है खैर तो यहाँ पे सर जो राइजोबियम है वो आपका क्या होगा यहाँ पे जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रखा है सर डेट वुड बी रॉन्ग राइट सो सॉरी डेट वुड बी करेक्ट सो एक्चुअली यहाँ पे ना करेक्ट पूछा था तो वॉट इज द करेक्ट आंसर तो राइजोबियम इज वर्ड इट इज इक्चुअली सिम्बाइटिक बैक्टीरिया है ना तो राइजोबिया जो होता है सर ये आपका सॉइल बैक्टीरिया डिट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन द फिक्सेशन ऑफ द नाइट्रोजन इट इज एक्चुअली एक्स्टिंग सिम्बैटिक विद द लेग्यूम्स तो गुरु जी यहाँ पे जो सही आंसर है क्योंकि हमसे ना इनकरेक्ट नहीं पूछा था यहां पे हमसे पूछा था करेक्ट कौन सा है सो सिम्बायटिक डेट इज योर राइजोबियम नेक्स्ट अगला है कलरलेस ऑर्डरलेस गैस ऑफ एलकेन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार केमिकल फॉर्मुला सी थ्री एच एट अब सर यहाँ पे ना अगर मुझे आंसर नहीं भी आता तो भी मेरा आंसर आ जाएगा मान लो कि मैं एन, एन 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 ये सब मुझे नहीं पता मैं सर अगेन मान लो कि बिल्कुल भोंदू अगर अच्छा बबीता ओके okay, वो एक्चुअली ना थोड़ा सा इवन मुझे भी नहीं पता चलता कि कब है सो गुरु जी अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनेंगे अगर मैं इधर बोलता हूँ सी थ्री तो सी अगर एक कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा मैथ दो कार्बन होंगे बेटा तो हो जाएगा एथ तीन कार्बन होंगे तो बेटू क्या हो जाएगा प्रॉप चार कार्बन होंगे तो बेटा हो जाएगा ब्यूट पांच कार्बन होंगे तो पेंट राइट सो हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक सो बेसिकली इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मुझे सीधे पूछा सी थ्री जब सी थ्री पूछा तो यहां पे सर मेरा आंसर आ गया प्रॉप अब मुझे अगर नहीं भी पता है इफ आई एम बोंदू देन ऑल्सो आई कैन टेल कि गुरुदेव यहां पर साफ साफ पता लगा रेफ आई टॉक अबाउट प्रॉप डट मीनस आई टॉकिंग अबाउट

विकास पढ़ाई पे जरा फोकस कर लेते हैं ना ज़्यादा बेटर होगा है ना क्योंकि एग्जामिनेशन देखो हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हम लोग अच्छे से सब कुछ कर लेंगे राइट और एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो भाई साहब कोई पूछेगा भी नहीं सो so, आप भी अच्छे से जानते हैं तो अभी मैं कहूँगा कि ना एग्जामिनेशन पास में तो एग्जामिनेशन फोकस कर लेते हैं राइट तो so, ज़्यादा बेटर होगा सो so, अब इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए शायद मुझे क्योंकि अब इससे ज़्यादा कहूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा भी लग सकता है और फिर ना हो सकता है कि कान अच्छे से बंद करके बैठना पड़ेगा चलो सो आई गेस दैट इज़ डन आगे इतने पे मैं समाप्ति करता हूँ आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन पे अब सर गाड़ी के साइड मिरर की बात कर रहे हैं तो सर प्लेन मिरर का क्या हम इस्तेमाल करेंगे नहीं क्योंकि प्लेन मिरर जो है है सर ये इमेज बनाता है सेम साइज की राइट अब सर इतना हो गया अब गुरु जी यहां पर एक चीज और फोकस करते हैं इफ आई टॉक अबाउट दिस पैराबोलिक वाला पार्ट छोड़ते हैं यहां पे आते हैं सीधे कॉनकेव और कॉन्वेक्स पे तो सर जब भी लार्ज इमेज बन रही होती है तो लार्ज इमेज कहां से बनती है बेटू लार्ज इमेज बनती है कॉनकेव पर इफ आई टॉक अबाउट दिस कॉन्वेक्स पार्ट गुरु जी कॉन्वेक्स वाला पार्ट है, ये क्या करता है? ये तो गुरु जी यहां पर ध्यान से सुनेगा स्मॉल इमेज स्मॉल इमेज यहां पर याद करने का तरीका मैंने बताया था वन टू थ्री फोर फाइव से डेट इज सिक्स लेटर्स इफ आई टॉक इट यूर है कहां पर सर वी केन टॉक अब सर्च लाइट वी कैन टॉक अबाउट टॉर्च वी कैन टॉक अबाउट दी शेविंग मिरर वी कैन टॉक अबाउट द डेंटिस्ट मिरर यानी जहां पर भी इमेज बड़ी चाहिए गो फॉर कॉनकेव जब में छोटी चाहिए साइड मिरर्स है रियर व्यू मिरर्स सो मेरसक्सो वॉट इज द करेक्ट आंसर जितने लोग डी के साथ जा रहे हैं एक एक कैंडिडेट सही है दैट इज ऑप्शन नंबर डी वुड भी द करेक्ट आंसर राइट चलो आगे बढ़ेंगे सो so, गुरुदेव जीरो पावर होती है बिल्कुल सो so, जीरो पावर होती है सूरज किसकी प्लेन मिरर की और इसके अगर फोकल लेंथ की बात करेंगे दैट वुड बी इनफाइनिट चलो सो इतनी चीजें क्लियर है अब इतना पार्ट हो गया भाई चलो अगले सवाल पे बढ़ेंगे आगे सर इफ आई टॉक अबाउट दिस इफेक्ट डॉक हु एक्चुअली रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1949 ही इज़ वेल नोन फॉर व्हिच डिस्कवरी और भाई साहब युकावा साहब की बात करें उन्नीस इतना पुराना हम लोग कैसे याद कर लेंगे सर so, गुरु जी यहाँ पर फटाफट -पड़ से मुझे बताइएगा क्या होगा सही आंसर फटाफट अब सर ये युकावा सर बड़ा खतरनाक सा लग रहा है ये हम याद कैसे रखें और वही उनचास की बात है तो यहाँ पर सर ऐसा होता है ज़रा ध्यान सुनना जब हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते हैं तो फंडामेंटल जो फोर्सेस हैं सर इसमें से कुछ फोर्सेस वीक फोर्स है कुछ सर आपका जहां पर चार फंडामेंटल फोर्सेस की बात करते थे तो हम लोग को पता था जो ग्रेविटेशन फोर्स था ग्रेविटेशनल फोर्स इट वॉज अमंगस्ट फोर्सेस सर दुर्बल बलों में से था वीकेस्ट फोर्स क्या था सर ग्रेविटेशन फोर्स वॉज दीकेस्ट फोर्स बट 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 इफ आई टॉक वन ऑफ द फोर्सेज न्यूक्लियर फोर्स ये सर कैसा होता था सर हम लोग जानते थे सर इट वॉज दी शॉर्ट रेंज फोर्स बट इट वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट वन अब सर इस स्ट्रॉन्ग वाले फोर्स में मेरे पास एक तरीका है याद करने का तरीका क्या है सर अगर हम लोग यहाँ पर बोले सर कहते ना हेकड़ी निकाल दूंगा तेरी बता रहा हूँ बहुत ज्यादा होगा तेरा देखते देखते सो यहाँ सर जो हेकड़ी वाले शब्द की बात करूँ तो हेकड़ी निकाल दूंगा तेरी मतलब वहाँ पे क्या आपने रोले में बैठा हुआ है कि अरे सर तुम देख लेंगे हमें बताओ तुम कहाँ मिलोगे क्योंकि बेटा तुम बताओ तुम कहाँ मिलोगे तुम जगह बता दो बस बिना हमारे पहुँचे तुम्हारा फिर पे देख लेंगे so, गुरुजी क्या? हेकड़ी वाली so, हेकड़ी किसकी जिसके सर पे बता दूंगा सर हम कौन है। so, गुरुजी हेकड़ी की जब बात करें तो हेकड़ी वाले पार्ट पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा दैट इज वी आर टॉकउ न्यूक्र फोर्स यहां सर, so, सर किससे याद कर लेंगे न्यूक्लियर फोर्स नो दैट लेकिन कैसा होता है शॉर्ट रेंज होता है तो so, हेकड़ी से याद कर लिया मैंने हिडे की सो हिडे की यू कावा हेकड़ी से बस याद कर लेना आपका सही आंसर क्या हो जाएगा न्यूक्लियर फूड्स तो क्योंकि आई नो कि बहुत टिपिकल याद रखेंगे लेकिन एक बार कहानी सुन लो ना जिंदगी बार याद रखती है तो इस तरीके से याद कर लेते हैं राइट right? चलो तो इतनी चीज हो गई क्लियर सो आगे से सब भूलना मत चलो देखो तैयार तो हो गया काम खत्म तो यहां पे खेल कर लास्ट डेट इज ऑप्शन ए वॉज करेक्ट आंसर अगले सवाल पे आगे बढ़ेंगे सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हर्बीवोर अब भाई साहब हर्बीवोर पे आ जाओ हर्बीवोर कौन होती है सर एनवायरमेंट का बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों वाला सवाल है कि सर सिंपल सी बात जब भी हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं प्लीज इसे याद रखना क्या बोला मैंने प्राइमरी कंज्यूमर अब बहुत लोगों को डाउट रहता है सर भाई साहब ये कौन सी बला आ गई अब देखना ओके okay. सर सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर कभी भी कोई फूड चेन होगी सर सबसे पहले क्या होगा एक प्रोड्यूसर होगा जो प्रोड्यूसर क्या करता है फूड बनाता है अब मैं यहां पे सर किसका एग्जांपल लेता हूँ मान लो कि मक्के के पेड़ की बात कर लो मेज है.

Hawk is कुछ भी लिख लो ग्रास ऑपर राइट इसको कौन खा ले इसको, इसको खाने वाला है फ्रॉग फ्रॉग को खाने वाला है स्नेक और स्नेक के ऊपर है फिर यहां पे हॉक अंत में क्या होता है सब मर जाते हैं

उट सेकेंडरी कंज्यूमर थर्ड थर्स कंज्यूमर एंड सो ऑन तो हमको पता नहीं आपके हरबी वोर कौन से है? वो प्राइमरी कंज्यूमर है इज देआर एनी सॉर्ट ऑफ समस्या तो हमसे सर यहाँ पे पूछा कौन सा हरबी वोर यहाँ पर नहीं है तो प्लीज फोकस क्योंकि हरबी वो वाले पार्ट में सर आपके हरबी वो हमसे कोई कौन सा नहीं है सो हेयर आईल गो विधक राइट सो द कर आंसर ऑप्शन नंबर डी सो इफ दिस इज क्लियर देन वी कैन मूव फॉरवर्ड अगला सवाल है विच आर दॉलिंग एन 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 एग्जाम्पल ऑफ वक्टर क्वानिटी सोल टॉकट दिस वैक्टर क्वानिटी वट इज वैक्टर क्वान्टी सर वैक्टर क्वानिटी आप वाले पार्ट में आप लोग याद रखिएगा विकास बाबा चलो ठीक है अब मैं इग्नोर ही मारूंगा तो यहाँ पे सर रहते हैं व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी सो वे टॉक अबाउट दिस वेक्टर क्वांटिटी सर वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग याद रखेंगे दो मेन चीज है क्योंकि एक चीज तो हमको रटी हुई है क्या हमको पता है कि यहाँ पे सर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी चाहिए राइट इफ वी रिक्वायर डायरेक्शन सो वॉट इज एट सर वैक्टर क्वांटिटी बट एक कंडीशन जो हम सबको याद रखनी है और वो क्या है सर सिंपल सा एक फंडा है जो सब लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे वैक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करना भी जरूरी है

ठीक है आपको जो भी बात करनी है यू कैन गो ऑन दी पर्सनल लेवल इफ एन अदर वन इज़ एक्चुअली विलिंग टू टॉक टू यू प्लीज़ टॉक बट इन दी प्रेजेंट टाइम वी नो दैट एग्जामिनेशन इज़ वेरी नियर सो मैं नहीं चाहता कि ना मेरे वाले पार्ट में ना अभी तक मुझे ऐसा कोई कैंडिडेट खासकर मैं यूट्यूब की बात करूँ पेड़ में तो सबके सब अच्छे बच्चे होते ही हैं सो आई नो इवन यू आर टैलेंटेड सो आई एक्चुअली सजेस्ट यू कि अभी एग्जामिनेशन अपना पास में एक बार उसे क्रैक कर लेते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड राइट सो एवरी वन लेट्स गेट दिस ऑन अ वेरी सीरियस पॉइंट कि मैं कभी भी किसी को कुछ कह रहा हूँ ना सो दिस इज़ एक्चुअली फॉर योर फ्यूचर ओनली मुझे देखो क्या फ़र्क पड़ेगा क्या मुझे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि मैं जब अब यहाँ पे प्रेजेंट मैं अभी अपना दो सौ बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अगर दो सौ में से अगर एक सौ निन्यानवे सीरीस है अगर एक मजाक मस्ती के मूड में तो क्या मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं मैं कमेंट्स भी इग्नोर मार सकता हूँ ना सो द ओनली पॉइंट इज कि आई वॉन्ट के, के सर सबके सब ना सीरियस मोड पे जाके सिलेक्शन ले लें तो इसलिए मजाक मस्ती अगर मैं अपने से भी कर रहा हूं ना, तो वो कहीं ना कहीं आपको सर पे इंडल्ज करने के लिए कि सर ये ट्रिक है आप इस तरीके से आसानी से याद कर लें so, बाकी it's totally up to you. इसके बाद आगे से नहीं कहेंगे कुछ भी डे एंड वॉट इज क्वेश्चन सो अगला सवाल है गुरुदेव ये वेन डिड द यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर दर्ल्ड वर्ल्ड फिजिक्स ईयर टू मार्क दंड्रेथ एनिवर्सरी ऑफ दिस्ट

बेटा किस में बेटा यहां पे मैंने बोला ना हिमांशु हॉक पे डिपेंडेंट था ऑब्वियसली बात है कि सर वो आपका किस पे डिपेंड था स्नेक वाले पार्ट पे तो यहां पे हम लोगों ने सीधे बोल दिया था कि सर इट वाज नॉट करेक्ट राइट चलो अब यहां पे सर सब लोग जा रहे हैं बी सी डी सर यहां पर अकेला कौन है हमारा शुभम बाबा तो हिमोक जितने भी डी के साथ है एक आलम सर दो हजार पांच वुड बी द करेक्ट आंसर राइट चलो नेक्स्ट इज अगला सवाल विच आर द फॉलोइंग लॉस वर्क इन देशर तो से कौन सा कानून तो कहना गलत हो जाएगा आप यहाँ पे सीधे लॉ बताइएगा सो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे काम करता है सो so, 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 uh, गौरव बाबा सुकून विकास अच्छा अच्छा अरे बाकी लोग प्लीज हाँ एक दूसरे पे प्लीज कोई कमेंट मत करना हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ बोला मैंने ध्यान नहीं दिया हो

विच ऑफ ऑसिलट्री मोशन अब भाई साहब ये वाला बढ़िया है सो so, गुरु जी अरे विकास चुपचाप सुन लो बता रहे पिट्टू करें कैमरे में से निकल के बता रहे हैं कुमार साहब ये सनसेट जो देख रहे हो ना वहीं पे ले जाके पिट्टी करूंगा सुनो ध्यान से अब सर देखो ऐसा है अगर मैं ऑसिलेटरी मोशन की बात करूँ तो मोशन तो कागजाम्पल लेते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन लाइक अगर मैं सर इसको आगे की तरफ मूव करता हूं अब मैं जब इसको आगे की तरफ मूव कर रहा हूँ तो सर एक बेसिकली है क्या अभी मैंने इसके रोटेशन की बात नहीं चलो ऐसे मूव कर लेते हैं दिस so, है। अगर मैं यहां पे बस की बात करता तो बस जब सर्कुलर पाथ की बात यानी कि हम लोग सर्कुलर मोशन में बात करें कर तो सर्कुलटी मोशन हम लोग रोटेटरी मोशन या फिर घूर्णन गति की बात करेंगे अब यहां पे सर कोई भी ऑब्जेक्ट आपने हाइट से ड्रॉप कर दिया तो सर एक स्ट्रेट मोड uh, में गया बट आई टॉक अबाउट अ पेंडुलम सो बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस जस्ट अ लुक सर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट सो बेसिकली क्या and motion. And motion है टू एंड फ्रो मोशन जब टू एंड फ्रो मोशन है यानी बेसिकली क्या है अपनी पोजिशन में वापस आ जा रहा है सो दिस इज एक्चुअली मोशन से दोलन गति का आपका जो आंसर है वो क्या है एक लोलक का इधर से उधर मूव करना सिंपल सा फंडा तो जितने करेक्ट नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी द सोर्स ऑफ विटामिन सी तो ये वॉट इज दोर्स ऑफ विटामिन सी सो वट वुड बी दंसर सो गति विटामिन सी के सोर्स अब सर देखो विटामिन सी के सोर्सेस अभी मैंने आपको बोला भी था कि मैं जो आपको बता रहा हूं ट्रिक उस ट्रिक से ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ कवर अप हो जाएंगे शायद दूसरा तीसरे सवाल था जहां पे मैंने आपको रवि सर नहीं रखते हैं रथ एक टॉफी ये सब ट्रिक्स बताई थी अब सर विटामिन सी में आपको एक चीज और बताई थी मैंने कि विटामिन सी कहाँ मिलेगा बेटा खट्टे फलों में यानी कि जितने भी फल टॉक अबाउट सार फ्रूट्स यहां दिस अबाउट वॉट खट्टे फल अब खट्टे फलों में सर क्या क्या आ जाएगा गुरुजी जी यहां पर आप लोग आंवला की बात कर लो सर नींबू की बात कर लो मोसम्मी की बात कर लो ये सब क्या है ये सारे सारे विटामिन सी के सोर्सेज हैं राइट सो वेल टॉक अबाउट दीज सोर्सेज अब गुरुजी जी यहां पे टमाटर गाजर दूध चिकन का लेवर तो कैरेट विटामिन ए राइट right? अब सर यहां पर दूध मिल जाएगा तो में सर ऑक्जनिक एसिड भी बिल्कुल सही कह रहे हो सो so, गुरु जी यहाँ पे जो सही आंसर डेडी वो टमेटो तो खट्टे फलों से चीज़ें चीज़ें पता लग जा रहा है अच्छा एक चीज और इसमें जो एसिड प्रेजेंट है आंसर टमेटो है इसमें जो एसिड प्रेजेंट है वो है ऑक्जेलिक एसिड राइट चलो अब सभी से आंसर चाहिए चलो आ, दोनों विकास मुझे आंसर दो दोनों विकासों से आंसर चाहिए मुझे कि सर ऑक्जेलिक एसिड टमाटर के अलावा और कहां पर मिलेगा तो सभी लोग याद रखना की टमाटर के अलावा जो आपका ये ऑक्जेलिक एसिड है ये सर आपको पालक में मिल जाएगा ज नॉट स्पिनिज सो हेर द करेक्ट आंसर वुड बी टमेटो खैर अगले पॉइंट पर चलते हैं टमाटर खाएंगे सुधर जाओ तुम विकास सच्ची में चलो नेक्स्ट अगला सवाल है अब भाई सब पे आ जाओ। तो सर हम लोग को अच्छे से पता है तो पहले आप आंसर देंगे फिर उसके बाद आंसर दूंगा सो so, पालक 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 सो so, मुकेश बाबा जरा फोकस करें एग्जाम पर जरा मैं आपको बता दू जो आप सोच रहे हैं ना बेटा वो है नहीं और मैं कई बार बता दे रहा हूँ मैं ना क्योंकि एक एक बच्चे को यहाँ पे पहचानता हूँ एक एक बच्चा जितने नाम कमेंट्स आ रहे हैं उनका जानता हूँ बाकी जो कमेंट नहीं कर करें उनका तो नहीं कह सकता तो एक एक बच्चा ना चाहे वो कोई भी हो मैं एक एक को जानता हूँ ये सुकून जो आप सोच रहे हैं ना जिनकी मेल आई चाहिए सो आईल आई गिव स्लैच हर मेल आई आई नो हु इज़ ही सो प्लीज़ आप जरा यहाँ पे फोकस करो डेट वुड भी बेटर सो गुरु जी यहाँ पर जनता जनार्दन जो एक आंसर होगा वो क्या होगा वायरस अब सर यहाँ पे जो स्वाइन फ्लू की हम बात करते हैं तो आप लोग जानते हैं सर ये ना कुछ टाइम पहले ये लॉकडाउन के आने से पहले Uh, ये किसी में फैला था किसका पता है पेक्स वाले पार्ट से तो सभी लोग मुझे बताएंगे उस वायरस का नाम क्या था जल्दी प्लीज स्वाइन फ्लू वाले वायरस का नाम क्या था सो so, मे दिक्कत परेशानी uh, अमित बाबा जितने भी लोग सर यहां पे जा रहे हैं सो so, यहां पर याद रखना हम लोग ना इसका एक और नाम दिए थे दैट वॉज वॉट एच वन एन वन राइट सो जनता द करेक्ट आंसर वुड बी वायरस दैट इज ऑप्शन नंबर वी वुड बी द करेक्ट आंसर इज इट क्लियर सो एक तरह से ना इन्फ्लुएंजा वायरस है है ना सो so, गोयल अरे मुझे पता कोई नहीं सो इट्स ओके मुकेश बस पढ़ाई पे फोकस कर दें डेट इज इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ कुछ नहीं बोल रहे सुकुन तुम चिपचपा पढ़ लो पेटोगे और बता रहा हूँ मैं चलो द करेक्ट आंसर वुड बी वायरस अगला विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इंसेक्ट इज नोन टू कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो एज फाइव वर्ड्स सो वॉट वुड बी द करेक्ट आंसर अब मेरे सामने ना ये एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है वसीम बाबा समझ रहे हो चुपचाप आंसर दो सो so, यहाँ पे तीन चार आईडी इनकी चल रही है हमसे चलो फोकस करो विच ऑफ द एनिमल्स और इंसेक्ट इज नोन एज टू नोन टू कम्युनिकेट यूजिंग इंफ्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी एज लो कम की बात कर रहा है इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सर इंफ्रासोनिक रेंज वो रेंज होती है जो सर आपकी बीस हर्ट से कम है लेस देन ट्वेंटी हर्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी किस में, होगी? ये में रहेगी अब राइट अब यहां पर फटाफट से सो so, uh, सब लोग जा रहे हैं डी के साथ ये अब यहां पर ना आप लोग पता है लग रहा होगा डी लेकिन यहाँ पे डी आंसर नहीं होगा इस बार आप अटक जाएंगे क्योंकि आई नो यहां पर गलती करने वाले हैं सो अंकित ब्रजेश सबके सब गलत है मुझे लगा था एक तो आंसर है वाह देख रहे हो हमें हाँ पता वसीम बाबा सही जाएंगे खैर सॉरी सुकून सही जाएंगे तो यहाँ पे सुकून वॉज टोटली करेक्ट द करेक्ट आंसर इज रायनोसोर तो जितने भी लोग यहाँ पे रायनोसोर के साथ जा रहे हैं दे आर करेक्ट तो याद रखिएगा रायोसोर की अगर हम बात करें सो दे एक्चुअली कम्युनिकेट यूजिंग दी फ्रिक्वेंसी लोअर देन फाइव वर्ड

विटीकल्चर में बेटा किसकी होती है ग्रेप्स की खेती पेपर में पहले पूछा जा चुका है ये वाला सवाल ऑब्वियसली बाकी तुम पीवाई क्यों देख ही रहे तो ग्रेप्स सेरिकल्चर पे आ जाओ सिल्क वर्म्स राइट किसके लिए सर सिल्क के लिए तो ये भी हो गया अब सर यहां पे जो पिसी कल्चर देख रहे हो तो सर हम लोग जब एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम पढ़ते हैं तो उसमें नॉन कॉर्डेट्स और कौर्डियर्स वाले पार्ट में अरे विकास वही ना तो गंगाधर शक्ति मान है हाँ सही कह रहे हो अब यहाँ पे देखिएगा अरे बिल्कुल बिल्कुल विकास बाबा और जरूर होगा आई नो भाई टैलेंटेड कैंडिडेट्स को ना पहचान लेता हूँ सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस स्टेटमेंट मैं जब भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो इसलिए दे रहा हूँ कि आप एग्जाम पर बस फोकस करें बाकी आई यू नो माई नेचर मेरा लड़ाई झगड़े वाला नेचर नहीं है राइट सो so ऐसा नहीं कि मैं पिट्टू वास्तव में कर दूँ बस प्यार से पिट्टू होती है चलो अब सर यहाँ पर ध्यान से देखना इफ आई टॉक अबाउट दिस पिछी कल्चर तो ये सर कहाँ से आया बेटा ये आया पैसेज वाले पार्ट में ये क्या सर ये आपका वो फाइलम है जिसके अंदर आपकी फिशेज आती हैं तो इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्ट राइट तो विकास बाबा अमित yes. so, क्या होगा तो हो कल्चर में जाएंगे so, कल्चर so, सी. एक एक बच्चा यहाँ पे सही है तो क्या ये दिमाग में सेट हो रहा है एक एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो प्लीज डू नॉट मिस इट सो सो दिस इज डन अगला सवाल डैश इज ऑल्सो नोन एज पेंथो एसिड माई गॉड आज तो सर जितनी मेरी ट्रिक्स थी ना सारी ट्रिक्स आज आपको पता चल जाने वाली हैं तो जितने लोगों ने जनवरी से क्लास अटेंड नहीं करी है तो वसीम बबीता और जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं विकास शुभम तो जो लोग बाद में आए ना जो मुझसे भी दो तीन महीने पहले जुड़े हैं आप लोग वो ट्रिक्स आप रिवाइज कर लो एक ट्रिक मैंने बताई थी सर बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव बी सिक्स वाले पार्ट पर नहीं जाएंगे बी सेवन बी नाइन और बी ट्वेल्व क्या थी ट्रिक सर ट्रिक ये थी विश विश फॉर्मी बिल्कुल गोयल साहब सर so, ट्रिक ये थी दो दोस्त है एक का नाम है बाई है दोस्त है तो राई क्या करा राई अपने लिए पेंट लेके आया मस्त वाली राई अपने लिए एक पेंट लेके आया है एकदम मजेदार राइट कोई मैगी से मैगी ग्रैंड जो भी दिमाग में आ रहा है लुई विन यहां पर जो भी दिमाग में आ रहा है किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं मुझे नहीं पता सर वो मैगी वाले कौन सी होती है अपन तो सस्ती वाली पहन लेते हैं तो यहाँ पे भाई ने बोला यार मैं अपनी वाली से मिलने जा रहा हूँ मुझे पेंट दे दे भाई ने बोला अरे जाओ भाई हम नहीं दे रहे हमारी पेंट हम क्यों देंगे तो अपनी खरीद लाओ भाई कहता है इतना पैसा नहीं है यार नौकरी लग जाएगी दे देंगे तुझे राई करा नहीं भाई साहब तुझे कुछ नहीं मिलने वाला निकल यहाँ से तो भाई क्या करता है भाई ने चोरी चिपे जैसी राई बाहर निकल के जाता है सर हैंगर से पैंट उठाता है और पेंट पहन के मिलने चला जाता है अपनी वाली से तो उसने क्या किया पेंट को फांस लिया तो एक तरह से इसने पेंट को फांस लिया है यहाँ पे चुरा लिया है तो आपको क्या रखना है बस इतना किसकी पेंट थी थी राई की नई पेंट किसकी थी नई पेंट राई की लेकिन बाई ने क्या किया उस पेंट को फांस लिया तो थी राई की नई पेंट पाई बाई ने फांस कर राइट तो मैंने कुछ मिस कर दिया क्या बी वन बी टू बी थ्री बी फाइव अच्छा बी सिक्स बी सेवन बी नाइन एंड बी ट्वेल्व आप सब थी है क्या थी स्टेंड फॉर थान राइस स्टैंड फॉर राइबो फ्लेवेन नई से बनेगा सर निया पैंट से बनेगा पैंतोथेनिक पाई से पायरेडोक्सिन बाई से बायोटेन क पौ से पॉलिक एसिड और क से साइनेको सर ये बहुत ज्यादा टेंशन देता है और आज के बाद टेंशन नहीं होगी इस बात की गारंटी मेरी है तो हमसे यहाँ पे सवाल पूछा था सवाल पूछा था पेंटो किसको कहोगे तो थी राय की नई पेंट किसकी पेंट सब पांच की देख रहे हो तो यहाँ पे क्या आंसर होगा अरे लाल पेन आ जा भाई क्या है सब पेंट पेंट से क्या बना पेंथो थे दस करेक्ट आंसर इज बी फाइव बी सिक्स का नाम क्या हो जाएगा सब बी सिक्स का नाम पाइसे पैरसिन बी वन का नाम थी राई की नहीं तो थी थीट इज इज राइट जनता जनार्दन दिस इज ट्रिक राइट सो क्या याद है सबको बहुत बढ़िया तो जनता जनार्दन यहाँ पे द करेक्ट आंसर नेक्स्ट अगला सवाल है ट्रू जो यस yes, यहां सर साइना गोपाल से और याद रखना यहां पे जो कोबाल लिखा है यह हुआ गया, कोबाल्ट यानी बी ट्वेल्व की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सर कोबाल्ट की रिक्वायरमेंट होती है तभी वो ढंग से काम करता है एक और चीज इंपॉर्टेंट कि सर अगर बी ट्वेल्व की कमी हो गई तो इससे जो समस्या होती है इसको बोलते हैं परनीशियस पर, पर एनीमिया इज दैट क्लियर तो सर जितनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं आज हम पूरी देख लेते हैं चलो बहुत बढ़िया लाल पेन की पिट्टो <laughs> चलो करनी पड़ेगी सही कह रहे हो अगला सवाल इथेनोइ एसिड इज कॉमनली नोन एज डैश एसिड अब ये सर देखो कोई मुझसे पूछता है ना कि सर पेपर क्या रिपीट होता है अभी सर हमने देखा 2022 का पेपर देख रहे थे हम नवंबर 2022 में यही सवाल पूछा गया था कि सर आपका इसमें से कौन सा एसिटिक एसिड है उल्टा ऑप्शन दिया था इस बार सब घुमा दिया तो कुछ लोग पूछते हैं ना कि सर, क्या रिपीट होते हैं आज आपकी आंखों के सामने यस कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि ये कॉपी पेस्ट आ जाएगा घुमा फिरा के टेढ़ा मेड़ा करके कैसे ना कैसे ऐसे तैयार परोस देता है तो 2021 का क्वेश्चन हमें दो हजार बाईस में मिला जस्ट कॉपी पेस्टेड सो थोड़ा सा बस चेंजेस के साथ सो इथेनोइक एसिड अभी अभी हमने देखा सर कौन सा था इथेनोइक फटाफट से सर क्या वो साइट्रिक एसिड था हाइड्रोक्लोरिक नाइट्रिक एसिडिक सही आंसर है एसिडिक राइट सो जनता जनार्दन करेक्ट आंसर इज इज ऑप्शन नंबर सी ओके कूल जनता जनार्दन भाई साहब बढ़िया एकदम चलो सुपर फास्ट में आगे बढ़ा जाए विच विटामिन डेफिशिय मे कॉज नाइट ब्लाइंडनेस भाई साहब ये विटामिन सी की कमी से कौन सी समस्या होगी अरे नहीं नाइट ब्लाइंडनेस किससे होगी भाई साहब रात को देखेगा नहीं मान लो कि अपनी वाली को देखने जा रहे हैं भाई साहब वहां पे चार पांच खड़ी हुई हैं हमारी वाली इसमें से कौन सी है अब हमको रखे हुए भाई साहब विटामिन ए की कमी मम्मी ने बचपन में बोला था भाई साहब क्यों खाले पाल क्यों इसलिए कि तू उस टाइम पर पढ़ाई कर ले अब पढ़ाई करने के बाद सर जो नौकरी लग जाएगी तो सर अपने पसंद की वो चाहिए भी तो मैडम अब अपनी रात को मान लो कि रात को मिलने गए डेटिंग वेटिंग चल रही है तो रात को डेटिंग के लिए बुलाएंगे चलो वहाँ पे चलते हैं रूफ टॉप पर खाना वाना खाने अब हम देख रहे हैं वहाँ पे चार पांच लड़के हड़े हमें अपनी वाली पहचान में नहीं आ रही है हमें ऐसे देख रहे हैं भाई सर तुम कौन सी है तो याद रखना बेटा तुम्हारी गलती है उसमें मम्मी ने तो बचपन में बोला था किसका विटामिन ए खा ले विटामिन ए नाम है रेटिनॉल रेटिनॉल में याद रखना सर ये रेटिन शब्द कहाँ से आया

हेलो कैसी हो हे हे जैसे दांत दिखा रहे दाँतों में से क्या हुआ यहाँ से खून आना शुरू हो गया तो वहाँ पे उसे लगेगा कि भाई सब घुटका उठ का खाता है तो वैसे रिजेक्ट हो जाओगे तो इसलिए ना ये विटामिन सी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा विटामिन सी के लिए आपको खाने पड़ेंगे सर खट्टे फल जैसे कि नींबू वीबू खा लो भाई साहब बहुत जरूरी है अभी तक नहीं खाया तो आप खा लेना नहीं तो पता लगा कि वो तमाखू सोच ले तो यहाँ पे सर नींबू खट्टे फल विटामिन ई इसके बाद सर ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है इसको मैं समझाऊंगा नहीं लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं विटामिन ई सर ब्यूटी विटामिन कहलाती है राइट तो यहाँ पे सर और स्टेरिलिटी एंड ऑल जो इश्यूज़ हैं सर इसकी कमी से हो जाते हैं विटामिन के की बात करें तो सर रक्त रहा थक्का देरी से जमता है ठीक है so, सो गुरुजी अब मैं से ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बाकी आप समझदार हैं पूरी की पूरी जनता हमारी सो so, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है <laughs> भाई मुझे अपने ही चलो अगले पॉइंट पर आते हैं सब कुछ खाना जरूरी है इसलिए आदित समझ रहे हो तो इसलिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है चलो आगे बढ़ेंगे सर सर नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा सर जूट इज़ ऑल्सो नोन एज वेच फाइबर अब सर जूट पे आ जाओ सर जूट कौन सा फाइबर है ये सर हम लोगों ने बचपन में जोग्रफी पढ़ा था अब जोग्रफी वाले पार्ट पे चलते हैं अच्छा फिर से एक बात लाओ तो जब सिलेक्शन हो जाएगा ना उसके बाद सारे एग्जाम्पल्स देंगे फिर से चलो आगे बढ़ो सर जूट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ वेच फाइबर अब देखो इज इट अ डायमंड फाइबर गोल्डन फाइबर प्लेटिन या सिल्वर सर बचपन से हम लोगों ने जोग्रफी में पढ़ रखा है जूट सर कौन सा फाइबर इट इज़ अ गोल्डन फाइबर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है सो द करेक्ट आंसर वोट बी चलो अरे शुभम बाप बस कंट्रोल बेटू सो आई सी सी एग्जाम इज इम्पोर्टेंट सो करेक्ट आंसर इज गोल्डन फाइबर अगला सवाल है विच आर द फॉलोइंग एलर्जिक रिएक्शन रिजल्ट इन द डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड द शॉर्टनेस ऑफ द ब्रेथ सो सर हम लोग जानते हैं हाँ तो सर फटाफट फड़ से तो बताओ क्या होगा आंसर तो सुपरफास्ट फूड में आंसर देंगे हाँ <laughs> सो so, हम लोग जानते हैं सर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो हम लोग सर वहाँ पे एस्थमा से आस रिलेट तो कर लेते हैं बट यहां पर अब हमारे पास चार ऑप्शन हैं हे फीवर अस्थमा के अलावा तो अस्थमा को थोड़ा देर के लिए होल्ड पे रखना सो so, एना पलेक्सिस हाइव्स एस्थमा और हे फीवर सो so, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इसको थोड़ी देर के लिए पॉज पे डाल देना राइट प्ले बटन तभी दबाना जब थोड़ा सा दिमाग लगा लो तो यहाँ पे ना डिक्रीज ब्लड प्रेशर भी है सो so, एस्तमा वाले केस में सर आपको क्या डिक्रीज ब्लड प्रेशर वाला केस भी होता है नहीं ना अगर हां तो यू कैन गो विद विदमा तो यहां पे सभी लोगों से मुझे आंसर मैं बार बार कह रहा हूं। सर SMA पे थोड़ी देर के लिए पॉज लगा के बाकी ऑप्शन देख लेना सो सो वुड बी आंसर देखो ऐसा होता है कि यहां पर ना ब्लड वाले पार्ट पे जाए तो ब्लड प्रेशर ना एकदम से ड्रॉप हो जाता है है ना एंड एक्चुअली नैरो नेरो पे ना ब्रीथिंग में ब्लॉकिंग हो जाती है तो यहां पे सर आप लोग याद रखिएगा ये जो ब्लड प्रेशर वाला केस है सो so, हे यू विल गो विद वैट इज एन एफ्लेक्सिस राइट सो हेयर डेट इज एन एफ्लेक्सिस वुड बी द करेक्ट आंसर ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि सर हम लोग क्या करते हैं ना पेपर है, इसलिए हमसे रखा गया कि सीधे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखी और हमारे दिमाग में यही आया तो अगर आप सिर्फ ब्लड प्रेशर वाले पार्ट पे चला गया तो हम लोग सर ये वाला पार्ट अगर मिस होता है डायरेक्टली पूछता है और ये ऑप्शन ना देता तो हम लोग इस्तेमाल के साथ जाते हैं बट 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 सर इस वाले केस में आपका जो ये पाइप है ना विंड पाइप की हम जो बात करते हैं जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं इट एक्चुअली बिकम्स नेरो राइट सो एयरवेज आपकी नैरो हो जाती है खैर यहां पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट विच इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट नाउ सर ये सवाल है बच्चों वाला बट जल्दी जल्दी में गलती होती है कैल्शियम कार्बोनेट सर कैल्शियम कार्बोनेट में आप मार्बल का एग्जाम्पल ले लो राइट right? मार्बल के अलावा सर यहां पे हम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं कौन सा सर चौक वाला तो ये चौक मार्बल ये सब क्या है ये सब कैल्शियम कार्बोनेट्स ही हैं अच्छा अच्छा फ्रॉम बायो डिपार्टमेंट विकास ओके तो विकास बाबा से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है राइट चलो ओके ओके बढ़िया विकास कौन सी लोकेशन पे सर ह्यूमन का हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए एक गौरव बाबा का डाउट है गौरव राजपूत साहब का एक डाउट है एक बार गौरव का डाउट ले लेते हैं बेटा हमारी बॉडी में जो हिमोग्लोबिन होना चाहिए अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स में, मेल्स में इट शुड भी अराउंड फोर्टीन फीमेल्स में हिमोग्लोबिन क्वान्टिटी इट मस्ट भी अराउंड ट्वेल्व परसेंट राइट? इफ आई टॉक अबाउट प्लेटलेट्स भी अबाउट प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी है ये, सर, चार होनी चाहिए. अब अगर मान लो किसी को डेंगू हो गया तो डेंगू वाले किसमें प्लेटलेट्स ही गिरती है इंग्लिश डेंगी खैर तो सर इसमें तो पूछा कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है तो सर लाइमस्टोन स्टोन और चौक मार्बल

इसके लिए एक मेरे पास ट्रिक थी आप लोगों को याद होगा सो so, अरे अच्छा तो लेकिन अब आप ठीक है ना बेटू सो so, गुरु जी यहाँ पर हम मुझे एक फटाफट बताइएगा अच्छा यही बोले हैं राजपूत बिल्कुल ठीक थे आप अब गुरु जी यहाँ पर ज़रा सुनना मैंने आपको ट्रिक बताई थी मेरी क्लास में मेरी फ्रेंड्स हैं एक्चुअली दो एक परांशी हैं एक सुरभी हैं सो so, अच्छा अच्छा फरोज़ाबाद में ओके okay, तो टूडला के पास में आप तो फिर चलो आप टला जब भी घर पे आएंगे तो आपसे मिलेंगे फिर चलो अच्छा फ़ोज़ाबाद में पॉलीटेक्निक किया अच्छा ओके फिर तो आप अपने घर के पास के भाई वो चलो आप ना इलेक्ट्रॉनिक पे आते हैं नहीं प्रियांशी एज सुरभि तो यहां पे सर ये ट्रिक थी मेरी नहीं प्रियांशी एज सुरभि तो यहां पर हमसे किसकी बात कर रहा है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक अब सर इन तीनों पार्ट्स पर अगर हम लोग चलते हैं सो कुलदीप बाबा आ रहा है बिल्कुल आ रहा है बेटा आपका कमेंट हर्षुल तो जितने भी लोगों यहां ध्यान सुनना इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये है सर कितनी आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं अब कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लू ये कैसे पता लगता है तो देखो सर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जस्ट एक दूसरे की उल्टी होती है एक दूसरे की रेस्ट्रोकल है इलेक्ट्रो पॉजिटिव ये वो नेचर होता है कितनी आसानी से मैं इलेक्ट्रॉन दे दू कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे दू अब आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन दे देगा जैसे मैंने बात की हलीना की रब से फरियाद लीना की रब से फरियाद अब मैं ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा तो सर नंबर ऑफ शेल्स ऊपर से नीचे जब आते हैं तो बढ़ती जाती हैं राइट अब सर नंबर ऑफ शेल्स जब बढ़ती जा रही है यहां बना देता हूं

भाई मैं चल रही हूं तेरे साथ तो यहां पे आसानी से निकल जाएगी जब यहां से आसानी से निकल जाए क्यों क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जितना बड़ा साइज उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन सर वहां से निकल सकता है यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है दिस मीन्स कि यहां पर सर क्या होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा होगा अब ऊपर से नीचे आने पर जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा है तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर सर कम होता जाएगा गेटिंग पॉइंट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो हाँ चल, निकल हुए चल तो आई गेस वो भावना समझ रहे तो तो गुरु जी जब ऊपर से नीचे आने पर नेचर कम होता जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा नीचे से ऊपर जाने पर तो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर बढ़ेगा इसका मतलब नीचे से ऊपर जाऊंगा तो इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर बेटा कैसा हो जाएगा बढ़ेगा जब इलेक्ट्रोन नेगेटिव नेचर सर ऊपर की तरफ जाने से बढ़ेगा तो सर यहाँ से सुर एज नहीं तो नाइट्रोजन तो क्या ये पॉइंट याद रहेगा ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्लीज याद रखिएगा क्या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऊपर से नीचे आने पर घटता है तो सिंपल सी बात है भाई सर, जब नीचे आने पर घट रहा है तो ऊपर आने पर बढ़ेगा तो सर ऊपर सबसे ऊपर क्या है नाइट्रोजन और द करेक्ट आंसर एज सिंपल एज दैट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर करेक्ट चलो सो अच्छा नहीं कुलदीप बस ये एग्जाम्पल है ऐसे रियलिटी में नहीं होता चिंता मत करो आपके साथ नहीं होगा चलो यहाँ पे आ जाओ सो so, हाँ जीवन का सत्य ज्ञान देना जरूरी है चलो इंजीनियर है ना आप लोन अपन लोग मैं भी इंजीनियर आप भी इंजीनियर तो हम भावना एक दूसरे के समझ सकते हैं चलो सर यहाँ पर सर करेक्ट आंसर हो नाइट्रोजन अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट फॉर द क्रिटिकल एंगल अब भाई साहब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है कोण तो सर ये ध्यान से सुन लो आप लोग कमेंट्स में थोड़ी देर बाद देखूंगा अब यहाँ पे सर अगर मैं दो मीडियम्स की बात करता हूं सर एक है एयर एक है वॉटर राइट right? तो जो एयर है बेटा ये कैसी है रेयर मीडियम जो वाटर है ये कैसा है बेटू डेंसर मीडियम ये रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम है आप लोगों को याद रखना है जब भी हम तो बात करते हैं रेयर से डेंसर मीडियम की हमेशा क्या होता है जो रे ऑफ लाइट यहां पर आ रही थी ये सर नॉर्मल के सीधे जानी चाहिए थी लेकिन नॉर्मल के पास आ जाएगी क्यों क्योंकि हम लोगों की ट्रिक याद रखी है जब भी डर लगेगा जब भी डर लगेगा मैं दूर भागूंगा किसी भी चीज से डर लगता है मैं दूर भागूंगा यानी जब भी मैं डेंसर से रेय मीडियम की तरफ जाऊंगा तो सर वहां पर क्या होगा मैं सर दूर भागने वाला हूं लेकिन ये डेंसर से नहीं ये रेयर से डेंसर थी अब होता क्या है जब रे ऑफ लाइट यहां पर आ रही है अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाता हुआ जाऊं सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता बढ़ता जाएगा एक लिमिट ऐसी आती है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता बढ़ता गया एक लिमिट आएगी जब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका ये कितना हो जाएगा सर इसके ना पैरल चली जाएगी लाइन यानी ये आपका नाइनटी डिग्री का हो जाएगा

जब भी रे ऑफ लाइट एंसर से रेयर मीडियम में जाएगी और क्रिटिकल एंगल अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो सर इस केस में होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि ये आपका जो एंगल है ये आपका क्या होगा ये जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया सर आपका जैसी ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हुआ एंगल ऑफ इंसुडेंस रिफ्लेक्ट एंगल ऊपर तो यानी रे जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वापस चली गई इसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन

पाँच मिनट हो गए कर रहा हूँ गांधी ठीक है ओके स्टूडियो और कोई है क्या ओके सो जनता यहां पर याद रखें इको होने के लिए जो मीटर डिस्टेंस होना चाहिए वो मिनिमम कितना होता है 17.2 पॉइंट मीटर्स अब यहां पे सर हमसे पूछ रहा है वो सर आपका जो टाइम पीरियड है तो कितना होना चाहिए 0.1 पॉइंट सेकंड का बिल्कुल एक एक बच्चा बिल्कुल सही है 0.1 पॉइंट इज दी करेक्ट आंसर यार आप लोग आपके साथ एक तो टाइम नहीं पता लगता पता है दूसरे फैकल्टी क्लास भी आ गई है और हम लोग चलो और तेजी से चलते हैं फटाफट सो गुरु अब जैसे फैकल्टी आएंगे तो मैं प्लीज वो क्लास छोड़ दूंगा तो आप लोग कोप अप करेगा थोड़ा जल्दी से मैं एकदम से फिनिश करूंगा अब अगले पॉइंट पर आते हैं सो अगला क्वेश्चन है विच कुछ कहना जा रहा है हर्षुल ठीक है अंकित एक्चुअली टाइम हो गया मुझे पता ही नहीं लगा था मैं ना फ्लो फ्लो में चला जा रहा था मुझे लगा अभी तो क्लास स्टार्ट करिए दो घंटे कमने के लिए पता ही नहीं लगा चलो ओके <laughs> सो okay. so, यहाँ पे सर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कौन सा आपका कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का अब कंडक्टर का मतलब सर कौन से लाइक सिल्वर राइट सिल्वर वी कैन टॉक अबाउट आयरन ये सब क्या है ये सब आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं सो वी टॉक अबाउट मरकरी मैग्नीज आयरन तो यहाँ पे सर बैड कंडक्टर कौन सा है तो यहाँ पे आंसर होगा

सीरियसलीमान मुझे भी नहीं पता चला है दो घंटे कब निकल गए आपके साथ यार अगला द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बिल्कुल सही है सर इलेक्ट्रिक जो जनरेटर है उस किस पे काम करता सर, है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे आपका लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग द करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस सो यस दैट्स आल्सो ट्रू अ वायर विद ग्रीन इंसुलेशन इज जनरली लाइव वायर ओके तो यहाँ पे सर हमसे पूछा था कौन सा इनकरेक्ट होगा सो so, फटाफट -फड़ से इसका आंसर दीजिएगा अच्छा एक काम करेंगे इसका आप लोग मुझे आंसर होमवर्क क्वेश्चन में और मैं आपके लिए सोच रहा हूं कि ना इसका ये जो पार्ट है जनता जनार्दन यहां पे मैं ये सोच रहा हूं कि ना आप लोगों के लिए ये वाली क्लास में ना एक सैटरडे और संडे में एक मैराथन अपने लिए अलग से रख लेता हूं अगर रात का मिलेगा तो आप लोग प्लीज रात को आ जाइएगा सो so, हम लोग फिर उस वाले पार्ट में इसको डिस्कस कर लेंगे ठीक है चलो सो so, गुरु आई गेस वी कैन मूव चलो सो so यहाँ पे सर एक मैं कलर बता देता हूँ जो ग्रीन कलर होता है सर इट इज फॉर दी अर्थ वायर तो एक बार मैं लिख देता हूँ आप लोग सबके सब सही जा रहे हैं टॉक अबाउट ग्रीन वुड बी फॉर दी अर्थ राइट लाइव वायर मुझको पता है सर ये लाइव वायर ना कहीं ना कहीं खतरे की बात करता है सो so अगर मैं खतरे की बात करूँ तो खतरा किससे बताऊँगा डेंजर सिग्नल डेंजर के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं वैसे रेड तो आप लोग याद रखना सर इसका जो होता है ना वो रेड कलर होता है बेसिकली सो so इसके बाद अच्छा एग्जाम है मंडे को ओके सो यहाँ पे सर अगले पॉइंट पर आते हैं अगला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट द न्यूट्रल बी ब्लू राइट कंडीशन रियल गैस कैन वर्क एज ए आइडल गैस तो सर अंडर विच कंडीशन रियल गैस कैन एक्चुअली वर्क आइडियल गैस थिंक हाई प्रेशर एंड लो टेंपरेचर लो प्रेशर हाई टेंपरेचर हाई प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर एंड लो प्रेशर एंड लो टेंपरेचर सो द आंसर फटाफट जल्दी से आंसर <coughs> दस मिनट तो है आई नो गोयल बट यहाँ पर ना स्टूडियो की जो फैकल्टी को लेना दिस इज पॉइंट सूरज क्वेश्चन जो मेरे पास रखे ना भाई मैंने तो डेढ़ हज़ार क्वेश्चन इकट्ठे कर लिए तो मैं आपको सही बताऊँ मेरे पास ना डेढ़ हज़ार की स्लाइड है तो मैं वो सोच के बैठा हूँ मेरे को जब भी मैराथन तो मिलेगा मैं बस क्वेश्चन करता हूँ मैंने पूरा ना संडे को बैठ के क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं सो so, संडे मंडे को एग्जाम है ना मैं देखता हूँ यार मुझे कोई भी स्लॉट मिल जाए मैं उसमें आ जाऊंगा चलो इसके बाद आ जाओ

गूगल मीट पर अगर मैं कैसे भी कर लूँगा आप चिंता मत करो मैं सेशन रखवा के मानूंगा सो so, एक काम कर देना बस एक मेरे एंड से बस ये है जिस जिसको साइंस का सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के बाद एक बार बता दीजिएगा कि हु ऑल रिक्वायर्ड साइंस सेक्शन सो ना एक बार मैं फिर आप, आप लोगों के लिए एक स्लॉट मांग लूँगा सो so, चाहे वो रात का हो दिन का हो जब का भी हो सो आई गेट द स्लॉट ठीक है तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक एक बच्चा जिस जिसको साइंस का सेशन चाहिए आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता क्लास so, तो मैं यही कर सकता हूं बस ठीक so, है ना शेड्यूल फ्री होगा उस टाइम पर अर्ली मॉर्निंग भी चलेगा इवन मैं सुबह पांच बजे भी आ जाऊंगा लेकिन आप लोगों के लिए कभी भी तैयार तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना साथ में बता दीजिएगा चाहिए सो आईल जस्ट टेक केयर जय हिंद एंड लव यू ऑल आपके पास की पी आ जाएगी अब ठीक है सो इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को भेज दूंगा और टेलीग्राम पर भी और कम्युनिटी पर भी सर आ चुके हैं सो आई नीड टू गो ठीक है बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर और क्लास का बता दाना जरूर क्लास कैसी लगी ये बहुत इंपॉर्टेंट तीन चीजें आंसर क्लास किस किस को चाहिए और क्लास कैसी लगी तीनों चीज कमेंट सेक्शन में ठीक है बाय बाय लव यू ऑल टेक केयर